नेक्स्ट टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द रेशियो, देन वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोपोर्शन। ठीक है, रेशियो बहुत सिंपल चीज है। जैसा आप कोई भी चीज को रेशियो पे लिखते हो, जैसा अभी लिखा ना हम लोग एमपी बाई सीपी इजिकल्स टू 9/7, लास्ट जो क्वेश्चन था वो रेशियो है 9/7। 9/7 क्या है? जैसा लास्ट क्वेश्चन में वी हैव रिटन, एमपी बाई सीपी इजिकल्स टू माई 9/7। आप सारे चैप्टर्स का क्वेश्चन करना, लेकिन परसेंटेज का अगर नहीं होता है तो आप मेरे से क्लास पे डिस्कस करना। ये मत सोचना कि आई विल नॉट डू, बट ऑल द डाउट्स वी विल नॉट कंसीडर इन वन डे। तो उस पर क्या हो जाएगा फिर क्लास, मतलब आप कुछ सीखेंगे नहीं नया। रोज नया सीखना भी जरूरी है थोड़ा सा, बट आई विल डू वट एवर यू विल आस्क इन द क्लास। तो ये रेशियो है, ठीक है। अब ये रेशियो है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि एमपी का वैल्यू 900 है और सीपी का वैल्यू 700 है? कैसे? 1800 और 1400 भी हो सकता है, ये भी तो हो सकता है ना। तो फर्स्ट थिंग अबाउट द रेशियो क्या होता है, रेशियो नेवर गिव्स यू द एक्चुअल वैल्यू। हाँ, लेकिन रेशियो में हम बोल नहीं सकते इसका इतना वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू कोई नहीं बता सकता। तो रेशियो नेवर गिव्स यू द एक्चुअल वैल्यू। ये 900-700 भी हो सकता है, 1800-1400 भी हो सकता है, ये 2700 एंड 2100 भी हो सकता है। तो व्हेनेवर, देखो इसलिए उन्होंने क्वेश्चन में, अगर देखोगे लास्ट वाला क्वेश्चन में उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो नहीं पूछा आपको वैल्यू नहीं पूछा, उन्होंने परसेंटेज पूछा। क्यों पूछा? क्योंकि कोई नहीं बता सकता उसके एक्चुअल वैल्यूज क्या है। तो दैट्स व्हाई इट इज सेड कि रेशियो नेवर गिव्स यू द एक्चुअल वैल्यू। क्लियर? तो फर्स्ट थिंग दिस इज अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द रेशियो, मतलब जो भी फर्स्ट पार्ट ऑफ द रेशियो होता है उसको बोला जाता है एंटीसीडेंट। फर्स्ट पार्ट ऑफ द रेशियो, ए एन टी ई सी ई डी एन टी, एंटीसीडेंट। द सेकेंड पार्ट ऑफ द रेशियो जो यहां पे है मानिए, उसको क्या बोला जाता है? कॉन्सिक्वेंट, सी ओ एन एस ई क्यू यू ई एन टी। ठीक है, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन कि द फर्स्ट पार्ट ऑफ द रेशियो इज नोन एज द एंटीसीडेंट एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ द रेशियो इज नोन एज द कॉन्सिक्वेंट। क्लियर? आइडिया इज क्लियर है? अब क्या हो गया, आपको एक्चुअल वैल्यू चाहिए। मानिए आपको चाहिए कि एक्चुअल वैल्यू मिले मुझे मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का। ठीक है, तो आपको क्या मिलना चाहिए? आपको कोई रिलेशन देगा तभी मिल पाएगा, बिना रिलेशन का हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। तो उन्होंने बोल दिया कि मार्क प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस दोनों मिला के कितना है? 16,000 फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बोल दिया। क्या बोल दिया? दैट इज इफ आई हैव टू गेट द, आपको चाहिए एक्चुअल मार्क प्राइस। लिसन ओवर ईयर, ये द इफ यू लिसन टू द स्टोरीज एंड द डिस्कशन तो आपको वो ज्यादा दिन रहेगा, नहीं तो टेक्निकली आपको उतना टेक्निकल है भी नहीं है पेपर। तो आपको क्या चाहिए? आपको ये तो है, मिल गया 9/7, लेकिन आपको क्या चाहिए? अभी एक्चुअल मार्क प्राइस बाय एक्चुअल कॉस्ट प्राइस चाहिए। तो इससे तो मिलेगा नहीं, तो आपको कोई ना कोई रिलेशन देगा, या तो प्लस पे देगा, या तो माइनस पे देगा, या तो मल्टीप्लीकेशन में देगा। डिविजन में तो देगा ही नहीं, क्योंकि डिविजन में तो ऑलरेडी ये है ही। तो आपके पास तीन ही केस रहता है, या तो इट विल बी गिवन इन द प्लस फॉर्म, और इट विल बी गिवन इन द माइनस फॉर्म, और इट विल बी गिवन इन द मल्टीप्लीकेशन फॉर्म। तो क्या होगा, हमने एक ले लिया दैट इज द इन द फॉर्म ऑफ द प्लस। फॉर एग्जाम्पल इट इज दिस रिलेशन इज ऑल्सो गिवन कि उन्होंने बोल दिया कि आपका जो मार्क प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस है दोनों मिला के 16,000 है। अब आप मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस एक्चुअल वैल्यू निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे, जब आपने स्कूल डेज पे थे तो हम लोग क्या करते थे, रेशियो को क्या करते थे, एक कोई वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देते थे। तो मतलब हम लोग मार्क प्राइस को क्या लिख सकते हैं इस केस पे, वी कैन राइट द मार्क प्राइस एज द 9K विच इज नोन एज द कॉन्स्टेंट, है ना। क्योंकि के की जितना वैल्यू आएगा उसके ऊपर ही मेरा
मार्क प्राइस व कॉस्ट प्राइस निकलेगा, क्योंकि के ये जो है के यहां पे था कैंसल आउट हो गया, तभी ना 9/7 आ रहा है। तो के क्या गया, कॉमन फैक्टर है, के क्या था उस पे कॉमन फैक्टर था, वो कैंसल आउट हो गया इसलिए 9/7 आ रहा है। तो उस कॉमन फैक्टर को फिर ले आ रहे हम लोग, दैट इज एमपी को लिख दिया 9 के, कोई भी यू कैन टेक एनी वेरिएबल कॉन्स्टेंट, नॉट नेसेसरली यू हैव टू टेक के, यू कैन टेक एक्स एंड वाई ऑल्सो। और सीपी मेरा कितना हो गया, सीपी मेरा हो गया 7K, ये हो गया, आइडिया इज क्लियर। अब ये रिलेशन है 9K एंड 7K, इन पे पुट कर दिया, दैट इज इफ आई पुट ओवर हियर, दैट इज द 9K प्लस 7K इज इक्वल्स टू माई 16,000, आई कैन पुट। तो ये कितना हो गया मेरा, 16K इज इक्वल्स टू 16,000, तो K की वैल्यू कितना हो गया 1000। इफ के वैल्यू इज 1000 तो मार्क प्राइस कितना हो गया 9000, अब मिल सकता है। नाउ आई कैन गेट द एक्चुअल प्राइस ऑफ द मार्क प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस बाय व्हेन अनदर रिलेशन विल बी गिवन। तो ये मैंने प्लस पे लिया, हो सकता है वो सब्ट्रैक्ट पे दे दे, आइडिया इज क्लियर, कुछ भी दे सकता है वो, दैट इज देयर चॉइस, क्लियर। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ द रेशियो, देयर इज नथिंग मोर अबाउट द रेशियो। बट रेशियो पे कॉन्सेप्ट कौन सा यूज होगा, जो आपने एवरेज पे किया था वो कॉन्सेप्ट यूज होगा। एवरेज पे एक क्वेश्चन भी है, आपने किया कि नहीं मुझे नहीं पता है, मार्क्स ऑप्टेंड वाला है, परसेंटेज पे एक क्वेश्चन है, अगर परसेंटेज का स्लाइड्स खोलेंगे आप तो परसेंटेज पे एक क्वेश्चन है, द मार्क्स ऑप्टेंड 5:6:7 ऐसा कुछ है, मुझे एग्जैक्ट हाँ, तो वो रेशियो है ना, वो रेशियो है। तो आपको मतलब मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं कि रेशियो का, रेशियो में परसेंटेज का भी कॉन्सेप्ट यूज होगा, एवरेज का भी कॉन्सेप्ट यूज होगा, प्रॉफिट लॉस तो मैंने दिखा दिया इस तरह से होता है। तो रेशियो कोई ये नहीं कि इंडिविजुअल पार्ट है रेशियो, द डे यू स्टार्ट राइटिंग अबाउट द फ्रैक्शन, आप जब जब फ्रैक्शन के बारे में लिखोगे, फ्रैक्शन क्या है, रेशियो है, परसेंटेज क्या है, अगर आपने 11.11% को 1/9 लिखा, क्या लिखा आपने, रेशियो लिखा। तो मतलब अब तक आप जो भी कर रहे थे वो सारे रेशियो ही कर रहे थे, कोई अलग से कुछ नहीं कर रहे थे, बट वो हम लोग उतनी प्रोमिनेंटली नहीं किया चीजों को, अब प्रोमिनेंटली समझेंगे कि कैसे परसेंटेज को रेशियो ही हो रहा है वो, क्लियर। तो आप ये मत सोचिएगा कि कोई अलग है, अगर फ्रैक्शन है तो भी वो रेशियो है, परसेंटेज है तो भी वो रेशियो है। बट ओनली वन थिंग यू हैव टू बी, जब ये टॉपिक आप रेशियो कहीं पे भी देखेंगे, नॉट अबाउट द टॉपिक, क्योंकि वो तो टॉपिक वाइज पूछेगा नहीं, तो जब भी आप कोई भी चीज रेशियो पे आए, द फर्स्ट थिंग इज शुड क्लिक इन योर माइंड कि हमारा रेशियो नेवर गिव्स मी द एक्चुअल वैल्यू, टू गेट द एक्चुअल वैल्यू आई नीड सम अदर रिलेशन, दैट रिलेशन हैज टू बी द गिवन। जो मार्क्स का दे रखा है 5:6:7:8 जो भी दे रखा है वहां पे क्वेश्चन में, तो क्या मैं मार्क्स, एक्चुअल मार्क्स किसका निकाल सकता हूं, नहीं, रेशियो है वो। 25 मार्क्स जो 5 दे रखा है, 50 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, 75 भी हो सकता है, मुझे नहीं पता है, 60 भी हो सकता है, गेटिंग द आइडिया। तो जब भी आप रेशियो देखेंगे कहीं पे, वेर एवर यू सी द रेशियो एनी वेयर, द फर्स्ट थिंग, जैसा मैं बोल रहा हूं ना, प्रॉफिट परसेंटेज देखा तो किस पे कैलकुलेट करना चाहिए, सीपी पे, डिस्काउंट हुआ तो किस पे कैलकुलेट करना चाहिए, यही पहला चीज यही क्लिक करना चाहिए, बाकी तो जो लैंग्वेज पे हो तो करना ही है हमें। तो जैसे रेशियो देखा कहीं पे, तो द फर्स्ट थिंग इट शुड क्लिक इन माय माइंड, द रेशियो नेवर गिव्स मी द एक्चुअल वैल्यू, टू गेट द एक्चुअल वैल्यू वी नीड टू मल्टीप्लाई विद सर्टेन वेरिएबल कॉन्स्टेंट। अभी तो फिलहाल जैसा क्लास पे हम लोग करेंगे तो थोड़ा सा स्टेप बाय करेंगे, लेकिन लेटर ऑन आपको इतना लिखने का जरूरत नहीं है, मोमेंट यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स, हर बार नहीं लिखना होता है, लेकिन अभी क्या होगा, 2-4 क्वेश्चन करेंगे ताकि हम लोग कंफर्ट जोन में आ जाए, जैसे ही कंफर्ट जोन में आ जाएंगे फिर इसको लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, सीधा सीधा क्वेश्चन देख के आंसर बता पाएंगे, आइडिया इज क्लियर। तो पहले तो आप सर्टन वेरिएबल मल्टीपल से मल्टीप्लाई करके व्हाट एवर इज द रिलेशन गिवन यू विल फाइंड आउट अकॉर्डिंगली। देखते थोड़ा सा इसकी
क्वेश्चन देख के घबराने मत है, ठीक है। तो टॉपिक इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन। पहला चीज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, रेशियो। बुक पे ऐसा नहीं होता है, तो हम लोग पार्ट बाय पार्ट डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियर आइडिया मिलेगा। तो पहला चीज रेशियो डिस्कस करेंगे। आप क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, कोई वो नहीं है, आप देख के आंसर निकाल सकते हैं अगर आप ट्राई करेंगे। नहीं निकाल पा रहे तो कैलकुलेट कीजिए, आई विल हेल्प यू आउट। क्या है, बी ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन क्लियर है ना, ए इंटू बी दे रखा है टू, एक्चुअल वैल्यू वी डोंट नो, टू दे रखा है मतलब इट इज टू बाई वन है। B into C दे रखा है 6, C into D दे रखा है 12, D into E दे रखा है 20, E into F दे रखा है 30। फाइंड द वैल्यू ऑफ A into D, रेशियो दे रखा है, क्यों, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू नहीं पता है। B into E into C into F, तो आप लोग कैसे कर सकते, इसको ले सकते, दैट इज A into B को लिख सकते 1 into 2 बा 2 into 1, कुछ भी आपको मन चाहे, दोनों का प्रोडक्ट 1-2 होना होगा। तो आपको अगर मन चाहे 1:2 लिखिए, 1:2 का मतलब हो गया ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, वाइस वर्सा भी लिखिएगा तो भी आंसर सेम आएगा, क्योंकि चेंज रेशियो ही तो कर रहे। तो सिमिलरली बी इंटू सी का मतलब 6 है, तो अगर बी की वैल्यू मानी 2 है, 2:3 हो जाएगा सी की वैल्यू, 6 आ गया। सिमिलरली दैट इज सी इंटू डी है, तो इसको क्या लिख सकते, 3:4, तो D into E क्या है, दैट इज 4:5, एंड E into F कितना है, 5:6, ये हो गया। जरूरी नहीं है आप यहां से 1 से ही शुरू करना है, आप 2:1 भी लिख सकते हैं, आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शन लेने पे फिर वही आपके लिए दिक्कत बढ़ जाएगा, आपके लिए दिक्कत बढ़ जाएगा। आप क्या चाहते हो, वहां पे सिंप्लीफाई हो ना चीजें, ना कॉम्प्लिकेट हो। ऑब्वियसली हम लोग सब चाहते हैं सिंप्लीफाई हो, लेकिन ये हो सकता है कि आप 1:2 के जगह बाय चांस 2:1 लेंगे, तो घबराना मत, आपका आंसर तब भी सेम आएगा कि रेशियो है, कहीं ना कहीं तो कैंसिल आउट होगा ही हो। क्लियर, जैसा मैंने क्या बोला था, एलसीएम लेने का टाइम आप घबराना मत, अगर ज्यादा भी आ जाए तो घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि वो आएगा आंसर सेम ही। क्लियर, आइडिया इज दिस। तो ए इंटू डी बोला है, तो ए इंटू डी, ए की वैल्यू 1 है, D की वैल्यू कितना है 4:2, B की वैल्यू कितना है 2, E की वैल्यू कितना है 5:2, C की वैल्यू कितना है 4, F की वैल्यू कितना है, C की वैल्यू कितना है 3 है। क्लियर, तो मेरा कितना आ रहा है 4:10:18, टू फाइव नाइन, वेरी गुड। ये 259 लिखना जरूरी है, हाँ? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। मानिए ऑप्शन एक अगर मैं दे देता हूं, ई ऑप्शन, दैट इज 4:10:18, हाँ? ये भी राइट होगा, वो भी राइट होगा, सब पकड़ा जाएगा, उसको पकड़ लेंगे उसी को, टू दोनों चलेगा, लेकिन मार्क कैसे करेंगे,
मानिए ये डी ऑप्शन हो जाता है अगर, तो मार्क किसको करेंगे आप? ए को। क्यों? बी क्या खराबी है? क्या हो सकता है? पकड़ा नहीं जा रहा वो अभी। वेरी गुड। करना चाहिए आपका स्मॉलेस्ट, क्यों करना चाहिए उसकी मैं एक्सप्लेनेशन दे देता हूं आपको, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगा, ये गलती नहीं होगा वहां पे। मानिए आपका कोई फ्रैक्शन आया 4/6, आप इस पे नहीं छोड़ते हो, तो आप उसको सिंप्लीफाई करते हो। जिसको क्यों सिंप्लीफाई करते हो? आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगर 4/6 आया ना, तो आप जैसे आंसर देखेंगे वो 4/6 नहीं है, वो क्या है? 2/2। स्कूल पे भी आपने यही किया था, आपने अगर 4/6 पे छोड़ देते तो हाफ मार्क्स वो काट लेता, तब आपने पूछा नहीं। अब मैं बता देता आपका स्कूल की कहानी क्या है। बोला जाता है फ्रैक्शन हमेशा को प्राइम फॉर्म में छोड़ना होगा आपको। को प्राइम इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। को प्राइम का डेफिनेशन होता है दैट अ सेट ऑफ द नंबर्स एचसीएफ शुड बी 1। तो इन दोनों की एचसीएफ क्या है? 1 नहीं है, क्या है? 2 है। इन दोनों की, इनकी, इनकी, ये चाहिए हमें। कब किया था हम लोग? आज हमें उसकी वो मिला, एक्सप्लेनेशन मिला, है कि नहीं? तो इसलिए आपका गलती नहीं होगा वहां पे, चाहे वो ये दे रखे चाहे ये दे रखे, वो देगा, वो जानता है कि कोई तो होगा फंसेगा इसमें। डायरेक्ट क्यों नहीं देगा? आप तो पता है कि फंसने वाला है, डायरेक्ट डायरेक्ट आ रहा है, वो क्यों करेगा इतना मेहनत 2 से डिवाइड करके। और ऐसा भी होगा, कोई ऐसा प्राइम नंबर है मानो 13 से डिवाइड हो रहा है, ऐसा नंबर आ रहा है मानो, और वो डिविजिबिलिटी रूल उसको पता नहीं है, वो फंस गया। हाँ, और खुश हो जाते हैं हम लोग खूब। नहीं, खुश होते हैं ना, क्योंकि ऑप्शन सीधा सीधा मैच हो रहा है। हाँ। बाहर आके पता चलता है खुशी का क्या। ठीक है, हाँ, क्योंकि देखेंगे इतना तो देखते ही नहीं है। हाँ, सही बात है, ये वही तो खेलता है, वो उसी से तो खेलते रहता है हमेशा आपका। क्लियर है? तो आपको ये आइडिया मिला क्यों आपको करना चाहिए ऐसा। तो को प्राइम फॉर्म में एक्सप्रेस होता है को प्राइम, हम लोग आगे भी करेंगे। को प्राइम वर्ड हैज नथिंग टू डू विद द प्राइम नंबर्स। को प्राइम का मतलब होता है द सेट ऑफ द नंबर्स जिसका एचसीएफ कितनी होनी चाहिए? 1। अगर 1 से ज्यादा आ रहा आपको कैंसिल करना ही करना है। क्लियर? आप कहीं पे भी देख लीजिए, कोई भी बुक उठाइए, किसी भी साल का उठाइए, स्कूल कॉलेज ये सब हमेशा वो को प्राइम फॉर्म में होगा। क्लियर हो आपको? ओके। अब हम लोग क्या किया था ये भी करेंगे, थोड़ा सा आपको आइडिया देने के लिए मैं उठा रहा हूं। आपको परसेंटेज पे मैंने कराया था एक्सपेंडिचर, कराया था कि नहीं? तो परसेंटेज पे हम लोग एक्सपेंडिचर किया था, तो उस टाइम में मैंने क्या बोला था, परसेंटेज वाला एक्सपेंडिचर किस पे यूज होगा? जब प्राइस और कंजम्पशन दे रखा है, और जब इनकम और सेविंग की बात करेगा तब एक्सपेंडिचर क्या होता है? इनकम प्लस नहीं होगा ना, इनकम माइनस सेविंग होगा, है ना? इनकम माइनस सेविंग। तो कब किसको लगाना है? जैसे इस केस पे तो वो वाला लगेगा नहीं, परसेंटेज वाला, क्योंकि यहां पे इनकम की बात कर रहा है और एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है। समझ में आया? वो भी यूपीएससी का क्वेश्चन था, ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन है। कब क्या लगाना है, कब क्या लगाना है, उसकी क्लैरिटी लो। है ना, रेशियो है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। रेशियो को मैं परसेंटेज में तुरंत चेंज कर दूंगा, मुझे कितना सर मिनट लगेगा चेंज करने में, तो मैं उस पर दिक्कत नहीं है। दिक्कत है कब कैसे क्या लगाना है। क्लियर? तो नाउ यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज। क्या है, कब लगाना है इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, जब इनकम और सेविंग की बात करेगा, और कब लगाना है एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू प्राइस इनटू कंजम्पशन, जब वो प्राइस और कंजम्पशन की बारे में शुगर की बात करेगा, है ना, पेट्रोल की बात करेगा, इस तरह से है चीजों को। तो इस पे दे रखा है, आपका क्वेश्चन है यूपीएससी का ही है,
बोला है द इनकम ऑफ द दो पर्सन ए एंड बी, इसकी रेशियो कितना है 4:3 रेशियो दे रखा है। अब वो 40,000 है कि 4,00,000 है नहीं पता हमें। अब एंड देयर एक्सपेंडिचर क्या है 2:1 वो भी रेशियो है, लेकिन सेविंग क्या है वैल्यू दे रखा है, सेविंग क्या है वैल्यू दे रखा है। फाइंड देयर रेस्पेक्टिव इनकम्स, अब फाइंड आउट करो, ट्राई तो करो। ये आंसर ए क्यू मैच तो इस पे भी हो रहा है, चारों हो रहा है, तीनों कहां हो रहा है, ए बी सी डी सारे चारों ऑप्शन मैच है। डी क्यू नहीं होगा 21 और 1.75 4:3 नहीं आएगा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ये चाहिए था सही है ना, सिर्फ ऑप्शन से नहीं हो रहा ये। व्हाट ही इज टेलिंग कि उन्होंने ये पहला ऑप्शन ले लिया, ये ए का है ये बी का है, सब में आप 4:3 आ रहा है। आप मत सोचो कि वो उस तरह के दे रखे, इवन डी ऑप्शन में भी 4:3 आ रहा है, सॉल्व करो देखो 4:3 आ जाएगा। तो इनकम का रेशियो दे रखा है हाँ, तो इनकम माइनस सेविंग गिव्स मी एक्सपेंडिचर, तो सेविंग सबका इक्वल है, तो इस पे अगर 1,000 सब्ट्रैक्ट किया तो मेरा एक्सपेंडिचर पहले पे क्या आएगा 1,000 और इस पे कितना आएगा 500 आएगा। वो रेशियो, ये रेशियो कितना है 2:1 मैच हो रहा है। अगर नहीं मैच होता तब मुझे अगले पे जाना होता, गेटिंग द आइडिया, तो कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होता है। आइडिया इज क्लियर, आइडिया इज क्लियर। मानो दूसरे पे चले गए, मानो आपने दूसरे पे, तो दूसरा है 2400 है तो आपके ने अगर 1,000 का सेविंग माइनस कर दिया तो आपका एक्सपेंडिचर आएगा वो कितना आएगा 1400 और इस पे कितना आएगा 800। क्या ये रेशियो 2:1 आएगा, 0:0 कैंसिल, 2 से कितना हो जाएगा 7:4 मैच नहीं हो रहा है और कोई भी मैच नहीं होगा आगे जाके, सिर्फ यही वाला मैच हो रहा है 1,000 और 500 विच गिव्स मी द रेशियो एज 2:1। नहीं वो आप जो बोल रहे हो बुक के लैंग्वेज बोल रहे हो, आप जो बोल रहे हो मैं समझ में आ गया मुझे। नहीं मैं समझ में आ गया, आप कुछ भी बोलते रहो वो चीज है, वो फंसा दूंगा मैं अभी दो उस पर, ठीक है वो 3:2 पे चेंज कर दूंगा मैं, ठीक है वो तो मत बोलो, वो बुक की भाषा, वो मुझे पता है ना कहाँ से क्या आ रहा है, ठीक है तो ये भी इतना डिफिकल्ट नहीं है, ये भी इतना डिफिकल्ट नहीं है, ये भी आपको बिना कैलकुलेशन का ही देगा। क्लियर, तो ये हो गया आपका बिना कैलकुलेशन का, आपको इस तरह से ही आपको समझना है। तो आपको ये समझ में आ गया ना 4:3 मतलब कोई भी केस हो सकता था, रेशियो नेवर गिव्स यू द एक्चुअल वैल्यू, वो समझाना था मुझे, रेशियो नेवर गिव्स यू द एक्चुअल वैल्यू, टू गेट द एक्चुअल वैल्यू। अब मैं वी कैन डू इन द इक्वेशन फॉर्म बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, द ऑप्शंस आर द गिवन। क्लियर, तो इसका और एक क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क पे करना है, दिस इज फॉर द होमवर्क। ओके नाउ वी मूव टू दिस फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला है कि 74,000 नीड्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एक्स वाई जेड इन द
रेशियो ऑफ 1/4 इज टू 1/5। आप देखो इसको वो उस पर भी दे सकते हैं परसेंटेज के फॉर्म में, 25%, 20%, 16.67%, मतलब सब सेम है। अगर मानो मैंने तो यहां पे जस्ट समझाने के लिए मैंने ये ले लिया, ये दे दिया 25 इन द रेशियो ऑफ 25%, 20% और 16.67%। 16.67% की वैल्यू याद है ना, विच इज इक्वल टू 50/3%, ठीक है, विच इज इक्वल टू 50/3%, सब एक है। वो ऐसा भी दे दिया तो मतलब एक ही है, घबराना मत, अब बात एक ही है, क्लियर। अब बोला है कि वाई को कितना मिलेगा 74,000 में से, सी तो नहीं मिलेगा शायद, 36 कुछ 24 ऐसा कुछ होगा, सी तो नहीं, 27 तो नहीं होगा, क्योंकि समथिंग तो नहीं आएगा, हाँ वही 24 या 36 में से एक आएगा, 24। 1,20,000 आ रहा है क्या वो, नहीं कितना आ रहा वो, 100,000 रेशियो निकालना, तो 1,00,000 कैसे किया आप बताओ फिर मैं हेल्प करूंगा। ओके तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, इनको ये अच्छा नहीं लगा वैल्यूज 1/4, 1/5, 1/6, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, हाँ, तो अच्छा किया आपने, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। तो इन्होंने क्या किया, उसको इंटीजर में चेंज कर लिया, क्योंकि हमें आदत है स्कूल डेज पे हम लोग क्या ऐसे करते थे, इंटीजर पे करते थे ना, 4:5:6। अब अचानक आपने उसकी फ्रैक्शन में लिख दिए तो थोड़ी सी आदत बिगड़ जाएगा। तो इन्होंने पहले उसको क्या किया, इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया। अब इंटीजर में कैसे कन्वर्ट किया कि 4, 5 और 6 के एलसीएम ले लिया, वो कितना हो जाएगा, 5, 30, 60। तो 60 को अगर 4 से डिवाइड कर दिया तो 15, 12 और 10, मेरे लिए तो ये भी सही है लेकिन आपके लिए ये ठीक है, ठीक है। पहला केस हो गया 15, 12 और 10, तो अब 24 हो रहा है। फिर क्या किया आपने, टोटल किया तो 37 आया, मतलब इन्होंने सबकी ऐड कर दिया, 15 + 12 + 10 की ऐड कर दिया। ऐड क्यों किया आपने, नहीं ऐड क्यों किया, मतलब जो हम लोग के बोल रहे थे, जो के है मतलब 15K, ये के मतलब ये तो एक्चुअल वैल्यू देगा नहीं, ये एक्चुअल वैल्यू देगा नहीं, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 15K, 12K और 10K। तो इन सबको ऐड करके इट इज 37K, ठीक है। फिर हाँ, दैट इज द टोटल व्हाट ही इज टेलिंग, द टोटल ऑफ 37 इज इक्वल्स टू गिवन 74,000। तो दैट मींस 37K इज इक्वल्स टू बाई 74,000, तो के वैल्यू इट इज कमिंग आउट टू बी 2000। तो फिर बाद में उन्होंने क्या किया, 2000 को 12 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, यही किया, आपने भी यही किए होंगे स्कूल में, यही किया होगा ना, नहीं यही सीखना है कि यही करना है, फ्रैक्शन ही करेंगे हम लोग, तो थोड़ा सा एडवांस चलेंगे ना यूपीएससी के हिसाब से, अब हमारा टाइम वो आ चुका है कि थोड़ा सा देख के करें, ठीक है ना। तो आपका प्रोसेस एकदम करेक्ट है, लेकिन ये प्रोसेस क्या है, ऑब्सोलीट हो चुका है, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे, ये है पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ सर्टेन क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आगे आएगा उसकी मैं पहले बेस बना रहा हूं, आपका पिलर बना रहा हूं, तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो कभी घबराहट नहीं होनी चाहिए इनसे, आपको क्या करना चाहिए और एक्वेंटेंस बढ़ाना चाहिए, आपको खराब लगेगा फिर भी आपको एक्वेंटेंस बढ़ाना पड़ेगा, पढ़ा होगा कि नहीं,
खराब लगा तो क्या होगा, क्या कर लेंगे आप उनकी कुछ कर तो नहीं पाएंगे। नया चीज हमेशा ही आएगा, आपने पहली बार देख रहे होंगे कि रेशियो में भी फ्रैक्शन आ रहा है, तो नया चीज हमेशा आएगा। कल अगर रेशियो में परसेंटेज आया तो दिक्कत मत लीजिएगा, उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला है कि ये जो है वाई की पार्ट है, बोला है ना, और मुझे y की पार्ट ये टोटल में से निकालना है, यही बोला है। तो मैंने क्या किया, y की जो रेशियो है 1/5 है, मैंने टोटल में से देख लिया जो इन्होंने 37 किया वो मैंने यही कर दिया। तो मतलब y की वैल्यू टोटल में से इतना है, वो टोटल में से किसका निकालने का, ऑफ 74,000, तो ये मैंने कर लिया, मैं समझ के कर लिया। अब क्या हो गया, ये वही हो गया 60 हो गया, 60 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1/5 का 12 हो गया, तो 12 मतलब ये जो हो गया ये यही वाला किया था ना उन्होंने, तो ये हो गया आपका 15 मतलब 1/5, मैं थोड़ा सा स्टेप लिख देता हूं आपको, 1/5 अपॉन ये कितना हो गया 60 हो गया, तो 12 प्लस कितना हो गया, ये 12 बोल रहा 15 + 12 + 10, ये 12 से कैंसिल होगा, तो इंटू 74,000, तो मैंने कर दिया 12/37, यही था। अब देखो आपने थोड़ा कैलकुलेट किया, मैंने समझ के किया, यही डिफरेंस रहेगा हमेशा। क्लास पे हम लोग इसी पे लड़ाई करते रहेंगे, आप बोलेंगे कि कैलकुलेशन सिखाओ, मैं बोलूंगा समझ के करो, है? नहीं, कैलकुलेशन को तो वो तो आपको एक्चुअल क्वेश्चन नहीं है ना, ये मुझे समझाना था आपको, एक्चुअल क्वेश्चन जब आएगा तब आप देखना ना, तब अगर ये करने बैठ गए तब एक्चुअल क्वेश्चन ही नहीं कर पाएंगे आप, ये तो पार्ट एंड पार्सल है एक पार्ट का। आप अगर नीचे का तरफ, मैं अच्छा आपके पास होगा नहीं, नीचे का तरफ जाएंगे तो एक क्वेश्चन होगा जिसपे आपको देख के अब निकालना होगा, आपको समझ में तो आ गया। हमें कोई कैलकुलेशन से मतलब नहीं होता है, हा? करने चाहते हो तो आपका फ्री विल है, वो कौन मना करेगा आपको, कौन सा आपको स्टेप दिखाना है, मना करेगा कोई, नहीं करेगा। लेकिन मैं बोल रहा हूं क्यों आपने इसको कन्वर्ट किया, क्या जरूरत है आपको, जरूरत बताइए फिर मैं बताऊंगा, जब एक ही आ रहा है तब क्यों जरूरत है इस पे? आपने अपना टाइम खराब कर रहे हो, अपनी कैलकुलेशन बढ़ा रहे हो, क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अगर मुझे z का निकालना है तो 1/6 अपॉन टोटल ऑफ 74,000 करूंगा, z का अगर निकालना है, बात तो एक ही है, आप 10/ करेंगे, मैं उससे टोटल डायरेक्ट कर लिया, इसलिए मैंने कर लिया कि मैं थोड़ा समझ गया कि ये बोलना क्या चाह रहा है, ये बोल रहा है कि इस रेशियो को 74,000 में डिवाइड कर दो, तो इसका इतना पार्ट है, ऊपर टोटल का लेना ही होगा क्योंकि उसी पे उसको डिवाइड करना है मुझे, क्लियर। अब देखो क्यों मैं बोला इसका, अब आपको क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं, ठीक है, ये देखो क्वेश्चन, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगा क्या मैं क्लियर बेस बना रहा था आपका। आपने वो भी नहीं देखा होगा डेसिमल में भी, किसी ने मुझे पूछा क्वेश्चन सही है, 2.5 दे रखा है आपने, डेसिमल कहां से आ गया रेशियो पे, क्या दिक्कत है उसमें, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो आपको आदत बनाना होगा, परसेंटेज आए, डेसिमल आए, फ्रैक्शन आए। बोला है 210 टोटल है, कितना है 210 टोटल है, उस पे से डिनोमिनेशन कितना है, 1 रुपया का है, 50 पैसे का और 25 पैसे का है डिनोमिनेशन, है ना। जैसा मान के चलिए कि आपके पास इतना तो हम लोग कैरी नहीं करेंगे छुट्टे एक एक रुपये, फिर तो पूरा वो वेट हो जाएगा। अब उसकी नंबर कितना कितना है, 1 रुपया वाला 2.5 की रेशियो पे है, उसका 3 की रेशियो पे, उसकी 4 की, मतलब उसकी नंबर क्वांटिटी की बात कर रहा है, वो रेशियो पे दे रखा है। बोला है 1 रुपया कॉइन कितना है,
पर्सन के पास एक रुपया वाला कॉइन कितना है, ये बोला है आपसे, निकालिए जो भी आपको लगे, प्लस ट्राई इट, स्कूल के मेथड ट्राई तो कीजिए, ट्राई करेंगे तभी तो याद आएगा कि क्या किए थे, रिकॉल जिसको बोलते हम लोग। वेरी गुड, मैंने बोला ना, किसी ने पूछा भी था पहले भी क्लास पे। हाँ तो लो, मतलब अब जब हमने कभी डेसिमल में नहीं देखा तो हमें तो लगे ना गलत प्रिंट किया हुआ है, वो 2.5 ही है। नहीं कुछ नहीं है, दिक्कत ही नहीं है, एक लाइन में खत्म करेंगे, देखिए तो समझ के। हाँ एक लाइन में खत्म करेंगे, अब बस आप स्टेप जो कर रहे करने दीजिए ताकि हम मुझे समझाने में आसानी पड़े। अभी भी हो रहा है, बी है 103 नहीं करेंगे, डेसिमल में आ गया है ना, फंसा दिया उन्होंने, फंसाया कि नहीं, आप समझ में आया मैं क्यों पिलर बना रहा था आपको कब है 105 आ रहा है, वेरी गुड 105 आ रहा है, ठीक है कैसा है 105 हम लोगों को समझाइए। नंबर की हाँ पहले तो उसको चेंज करना होगा, तो ये हो गया 1/2 रुपी, मतलब क्योंकि ये रुपीस पे है 1/2, पैसे क्या हो गया 1/2 रुपी, वेरी गुड 25 पैसा कितना होगा 1/4, और ये तो 1 रुपी दे ही रखा है, ठीक है हाफ रुपी एंड 1/4 रुपी, क्योंकि रुपीस आप रुपीस को पैसे के साथ इक्वेट नहीं करोगे, रुपीस को रुपीस के साथ इक्वेट करोगे, वेरी गुड। फिर उसको ये बोल रहा है कि ये आपने नंबर दे रखा है, मतलब कितना कौन सा कॉइन है, और वो रेशियो पे दे रखा है आपने, हाँ मल्टीप्लाई क्यों करेंगे मैं बता देता हूं, मल्टीप्लाई वो इसलिए बोल रहे कि मानिए आपके पास एक रुपया वाला 10 कॉइन है, आपके पास एक रुपया वाला कितना कॉइन है 10 कॉइन है, तो टोटल अमाउंट कितना बनेगा आपके पास 10 बनेगा। आपने कैसे बनाया कि मल्टीप्लाई करके, आपने मल्टीप्लाई करके 50 पैसे का मान के चलिए आपके पास 10 कॉइन है, तो टोटल अमाउंट कितना पास है आपके पास 5 रुपया, 5 रुपया आपने कैसे कैलकुलेट किया क्वांटिटी इंटू अमाउंट करके, है ना क्वांटिटी इंटू अमाउंट, तो ये है क्वांटिटी आपका, मतलब जैसा डिनोमिनेशन दे रखा है ना एक रुपया वाला हाफ द रुपी एंड 1/4 रुपी, ये है आपका डिनोमिनेशन, क्वांटिटी क्या दे रखा है 2.5:3, ये 3 की रेशियो पे, ये कितना है 4 की रेशियो पे, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब आपके पास आएगा अमाउंट, टोटल अमाउंट, तो वो कितना हो जाएगा 2.5:1 करेंगे तो 2.5 1/2 × 3 करेंगे तो 1.5
वन बाई फोर इंटू फोर करेंगे तो वन। ये स्टेप किसी को डाउट है? ये रोज करते हैं हम लोग, रोज करते हैं, चेंज होता है हमारे पास। दस दस रुपए का चेंज है, मानिए आपके पास छह दस दस रुपए का चेंज है, तो अमाउंट कितना बनेगा आपका? 60। कैसा बनाया आपने? डिनोमिनेशन इनटू क्वांटिटी करके। क्लियर? आइडियाज क्लियर? एनी डाउट? फिर आगे क्या करेंगे? इसकी इसकी एडिशन करेंगे, ठीक है, उसको डिवाइड करेंगे। हाँ? पांच दिन तो अच्छा, इसको मतलब डेसिमल में चेंज करेंगे। अच्छा, तो वही तो बोल रहा हूं, वो ऐड करने के लिए वही तो, और उसने के नहीं लिया, आपने के ले रहे हो। के इसलिए ले रहे हो क्योंकि वी डोंट नो द एक्चुअल वैल्यूज, दैट्स व्हाई। तो मेरे लिए तो यहां पे क्वेश्चन खत्म हो चुका है, बाकी आप जो भी कर रहे हो एक्स्ट्रा करे जा रहे हो तब से। मुझे ये स्टेप चाहिए था बस। अरे सुन तो लो, हाँ, डायरेक्ट फॉर्मूला इस पे चक्कर में पड़े हुए हो। मेरे लिए तो ये चाहिए था, रेशियो चाहिए था अमाउंट की, और अमाउंट की रेशियो मैंने कैसे निकाला? डिनोमिनेशन इनटू क्वांटिटी, ठीक है, वो हो गया। अब मुझे दे रखा है टोटल अमाउंट, दे रखा है, बोला है मुझे एक रुपया वाला निकाल के दो, तो मेरे एक रुपया वाला कितना है? 2.5। टोटल कितना है? 5 इंटू 210। आप समझ में आया क्यों कर रहा था उस टाइम? आप समझ में आया उस टाइम? इसलिए कर रहा था मैं। तो ये कितना हो गया? 2। ये कितना हो गया? 105। तो आप जितना भी कैलकुलेट करेंगे आपको 105 ही आएगा। तो आपने के लेके किए ना फिर? तो के लिया और आपको पता नहीं कि अच्छा, नहीं तो पांच, आपने 2.5/5 लिखा था ना, 2.5/5 लिख दिए थे। हाँ, अगर आपने ये लिखा हुआ है तो सही है, अगर नहीं ये लिखा है तो आपको और आगे जाके और फंसेंगे, क्योंकि आपने क्या, आपने उस चीज को नहीं समझे क्यों ऐड करना हो रहा है। मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, मेरे लिए स्टेप इंपॉर्टेंट नहीं रह रहा है। मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मुझे देखना था इस टोटल में से एक का पास कितना है? 2.5 है, मैं इस तरफ से बोल रहा हूं ना, टोटल में से जो भी टोटल है उसमें से एक के पास कितना है? 2.5 है। बी के पास कितना है? 1.5 है। अगर बी का निकालना होगा तो 1.5/5 कर देंगे, ए और बी का डिफरेंस भी आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1/5 हो जाएगा, सब आ जाएगा। अमाउंट तो अलग ही है, हाँ तो आ जाएगा ना, कुछ का निकालना है। ए और बी तो 1/5 इंटू दोनों का डिफरेंस कितना है? 1 का डिफरेंस है, 1/5 इंटू 210। आप जो सोच रहे हो मैं सिर्फ लॉजिकली सोचे जा रहा हूं तब से, आप कुछ भी बोलो मैं निकाल दूंगा। मेरे लिए तो ये एक स्टेप में खत्म हो चुका था क्वेश्चन। मुझे 2.5/5 निकालने में भी कैलकुलेट थोड़ी करूंगा मैं वहां पे। 2.5/5 इसको किसको नहीं पता है 1/2 होगा रेशियो, है कि नहीं? आप समझे चीजों को, और देता हूं आप समझो तो चीजों को, आपको और पता चलेगा क्यों मैं बोल रहा हूं आपको। क्लियर हुआ ये? आप स्टेप पे कीजिए तब भी आंसर आएगा, आप सोच के कीजिएगा तब भी वही आंसर आएगा। क्लियर? लिख लिया आप लोगों ने? ओके, ये क्वेश्चन है जो यूपीएससी का है, ये कर ही देते हैं, ठीक है ना, आपको क्लियर हो जाएगा ये वाला।
हैं बी 42,000 टाइम लग रहा है तो इनसे सुनते बी कैसा आया है? नहीं नहीं सही सही है हाँ कैसा है बी नहीं तो फिर इन्होंने वो किया होगा यूपीएससी हाँ मैं सभी समझ गया इतनी पास तो हाँ ना ना ना, ना। वो सब नहीं चाहिए वो बुक का नॉलेज मेरा कोई काम का नहीं है तो नहीं वेरी गुड सही बात है नहीं बताओ मैम आप बताओ कौन सा कोई भी एक ऑप्शन ले लो आप ले लो बताओ कौन सी ऑप्शन से स्टार्ट करूं मैं ऑप्शन से ही होगा ये वैसे नहीं होगा टोटल बोल दिया ना यहाँ पे ऑप्शन से क्यों ऐसा भी होगा कैलकुलेशन से भी हो जाएगा बड़ा हो हाँ बड़ा हो जाएगा बड़ा हो जाएगा तो आप कोई भी ऑप्शन बताओ ऑप्शन ए लेते तो ऑप्शन ए लेके देखते ये एक्स है ये वाई है ठीक है ये x है ये y है ए टोटल 28,000 है तो x की कितना आना चाहिए 16,000 इसकी 12 किसको समझ में नहीं आया 16 और 12 कैसे लिखा मैंने 4/7 3/7 तो इस पे से 6,000 अगर घटा दिए तो 10,000 आ गया इस पे अगर 6,000 घटा दिए तो 6,000 रेशियो आना चाहिए मेरा 3:2 आएगा नहीं है ना 3:2 आना चाहिए नहीं आएगा 42 है खोल दो उसको 42 है 42,000 है 42,000 का मतलब कितना हो गया 4/7 28,000 ये 28,000 हो गया क्लियर 28,000 कैसे आया अभी मैंने समझाया 4/7 इंटू ऑफ टोटल 3/7 ऑफ इंटू ऑफ टोटल तो 3/7 बताइए कितना हो गया 18,000 42 हो गया 6,000 घटा दिए तो कितना होगा 24 6,000 घटा दिए तो कितना होगा 12 रेशियो मैच हो गया कितना हो रहा है ये सॉरी 24 होगा ना सॉरी 24 होगा सॉरी 6×4=24 होता है ना हाँ तो 6,000 घटा दिया तो 18 बोल तो रहा हूं मैं 24 लिख रहा हूं 28 और ये हो गया दैट इज द 12 रेशियो 3:2 पे मैच हो रहा है तो आप कैलकुलेशन से ज्यादा इससे आ रहा है ना टोटल में जो बोल रहा है 4/7 × टोटल 3/7 × टोटल सटा सट आएगा आपका आगे का क्वेश्चन देखने यूपीएससी का और जल्दी आ जाएगा तो कैलकुलेशन क्यों नहीं कर रहा था आपको समझ में आएगा इतना कौन करेगा कि ये ऑब्सोलीट मेथड है हमारे लिए A:B होता है ना तो फर्स्ट थिंग हम लोग क्या डिस्कस किया था रेशियो प्रोपोर्शन में रेशियो पे मतलब रेशियो पे है तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग रेशियो पे क्या डिस्कस किया था फर्स्ट पॉइंट इन द रेशियो जैसा मान के चलो अगर ये बोलते A/B = 1/2 है ना If it is says that A/B = 1/2, so can we say that is value of A is 1 and value of B is 2? नहीं, हो भी सकता है, possibility is there, but definitely we cannot say, है ना?
possibility is there. There is the first thing we have discussed about the ratio, if you remember, that is the ratio never gives you the actual values. रेशियो नेवर गिव्स यू द एक्चुअल वैल्यूज, मतलब 1/2 मतलब कुछ भी हो सकता है, 4/8 भी 1/2 होगा, है? तो इसका मतलब एक ही, अगर कोई भी रेशियो दे रखा है, रेशियो इज व्हाट, इट इज अ पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का ही पार्ट है. अगर कोई भी चीज आप फ्रैक्शन लिख रहे हो, क्या है, रेशियो है, तो एक्चुअल वैल्यूज नहीं दे पाता वो, ठीक है. दिस इज द फर्स्ट थिंग वी हैव डिस्कस अबाउट द रेशियो. और जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द रेशियो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, व्हाट वी सी, एंटीसीडेंट. टेक्निकली अगर थोड़ा सा याद रखोगे तो अच्छा है. द फर्स्ट पार्ट, जैसा ए है, रेशियो है, फर्स्ट पार्ट हो गया, तो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द रेशियो हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट. एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ द रेशियो क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंट, है ना. हालांकि दे डोंट गिव यू द टेक्निकल वर्ड्स, बट फॉर अस जस्ट टू In class we require the part, so we remember that the first part of the ratio को हम लोग क्या बोलते हैं, antecedent, and the next part of the ratio is known as the consequent. तो मानो कि अगर actual value नहीं देते हैं, है ना, तो ये तो पता चल गया कि may or may not be. जैसा we can say value of A is 1, value of B is 2, it may be or may not be. मतलब हम लोग exactly we cannot say confidently about the fact कि इसकी वैल्यू 1 ही है और इसकी वैल्यू 2 है. हो सकता है कि 4/8 हो, तब भी तो रेशियो 1/2 आ जाएगा. हो सकता है कि 3/6 हो, तब भी रेशियो 1/2 हो जाएगा. तो व्हाट इज दैट एक्स्ट्रा थिंग इज रिक्वायर्ड, मतलब क्या हमें और चाहिए टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट वैल्यू, हमें क्या चाहिए अगर रेशियो से मुझे एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है. आर्बिट्री कॉन्स्टेंट से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, वेरी गुड. तो वो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग. जैसा मान के चलो कि वी मल्टीप्लाई, जैसा ए का लिख दिया, दैट इज द एक्स, मतलब एक्स इज द कॉन्स्टेंट पार्ट, बा समटाइम्स वी राइट दैट एज अ के ऑल्सो, और बी का, और इसको लिख दिया बी एक्स, ठीक है. हमेशा याद रखना जो भी वो रेशियो होगा, रेशियो हमेशा किस फॉर्म में होता है, को प्राइम फॉर्म में. को प्राइम वर्ड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड को प्राइम, हाँ वेरी गुड, दैट इज द को प्राइम वर्ड का मतलब होता है सेट ऑफ द नंबर्स हुज एचसीएफ इज 1, सॉरी, सेट ऑफ द नंबर्स हुज एचसीएफ इज 1, ठीक है. कोई भी, मतलब जैसा मानो 3-4, है ना, 3-4 का अगर एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा. तो को प्राइम वर्ड का कोई भी प्राइम नंबर से लेना देना नहीं है, देयर इज नो लिंक विद द को प्राइम विद द प्राइम नंबर्स. को प्राइम वर्ड का मतलब होता है जो भी सेट ऑफ द नंबर्स हो उनकी एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए. जैसा एचसीएफ का मतलब तो पता ही होगा ना, कैसे फाइंड आउट करते हैं एचसीएफ, दैट इज द यू हैव द कॉमन होनी चाहिए. तो कॉमन क्या आएगा, 3 और 4 के बीच में कॉमन क्या आएगा, 1 आएगा. दिस इज द मीनिंग ऑफ द पार्ट, ठीक है. तो जब भी हम लोग क्लास पे को प्राइम वर्ड यूज करें, डोंट टेक दैट, दैट इज द, इट इज द केस ऑफ द प्राइम नंबर्स, इट इज द केस ऑफ द एचसीएफ इज द 1. ये हम लोग नंबर सिस्टम पे फिर से करेंगे. तो आप ये चीज हमेशा ही ऑब्जर्व कीजिएगा कि जब भी कोई भी चीज फ्रैक्शनल लिखा हो, वेन एवर एनीथिंग इज रिटन इन द फ्रैक्शन फॉर्म, तो हमेशा वो क्या होता है, को प्राइम फॉर्म में होता है, मतलब लीस्ट फॉर्म में होता है. जैसा मानो कि ए की वैल्यू लिख दिया 1x और बी की वैल्यू लिख दिया 2x, फॉर एग्जाम्पल. तो ये जो xx कैंसिल हुआ है, 1x बाई 2x जो कैंसिल हुआ है, ये xx कैंसिल होगी, रेशियो 1/2 आया हुआ है ना. तो हमेशा आप देखना आंसर, अगर इफ यू राइट एनी आंसर इन द फॉर्म ऑफ 2/4, ठीक है, तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा आंसर, वो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा. आपने स्कूल लेवल पे भी यही किया होता कि आपको जब भी वो 2/4 आया तो आपने क्या किया, फर्दर इसको रिड्यूस किया और लिखा क्या, 1/2. आप यहां तक नहीं छोड़ सकते, 2/4 पे नहीं छोड़ सकते, दैट इज यू कैन नॉट लीव बाय राइटिंग 2/4. अगर आपने 2/4 पे छोड़ दिया तो आंसर वो गलत हो जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शन हमेशा क्या होता है, मिनिमम फॉर्म में लिखा जाता है,
आइडिया इज क्लियर? एनी फॉर्म इज दिस इज गिवन 12/16 मानो, तो 12/16 क्या होता है? 12/16 मतलब 3 × 4 होता है, और ये 16 का मतलब क्या होता है? 4/4, ये 4/4 कैंसिल आउट हो गया, तो आपका बचता क्या है? ये जो 4/4 कैंसिल हो रहा है, यही है आपकी जो ए एक्स, फॉर एग्जाम्पल ये जो आपका 4/4 क्या है? कॉमन पार्ट आ रहा है, तो जो कॉमन कैंसिल होके जो बचेगा वो को प्राइम बचेगा। को प्राइम का मतलब हो गया जो बच गया 3 और 4, 3 और 4 के बीच पे एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। दिस इज द मीनिंग। तो क्योंकि एक्स एक्स कैंसिल आउट हो चुका है, इसलिए वैल्यू इसका क्या आ रहा है? 1/2। ठीक है, द एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया। अब मेरा काम क्या है? अगर मुझे एक्चुअल वैल्यू ऑफ ए निकालना है व एक्चुअल वैल्यू ऑफ बी निकालना है, इफ आई हैव टू फाइंड आउट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ ए और द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द बी, तो मुझे क्या चाहिए? एक्स की वैल्यू निकालना है, क्योंकि ए की क्या मतलब है? 1x, और बी का मतलब क्या है? 2x। मुझे जब तक एक्स नहीं पता चलेगा, मुझे एक्चुअल वैल्यू ऑफ ए और बी नहीं पता चलेगा, क्योंकि वो कैंसिल आउट हो चुका है। तो अब क्या करना चाहिए? What should we do so that we can find out the value of A and B? मतलब क्या करना चाहिए मुझे ताकि A और B की, मतलब X की value आ जाए और we get the actual value of A and B? कोई relation चाहिए? Some relation has to be given। तो relation किस form में दे सकता है? या तो addition form में देगा, ठीक है, या तो एडिशन फॉर्म में देगा, या तो सब्ट्रैक्शन फॉर्म में देगा, या तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में देगा। ठीक है, इसी फॉर्मेट पे देगा, डिवीजन में तो ऑलरेडी दे रखा है, तो कुछ भी दे सकता है। तो उस इंफॉर्मेशन को यूज करके हमें क्या करना होगा? एक्स की वैल्यू निकालना है, एंड देन ओनली वी कैन फाइंड आउट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ ए एंड बी। दिस इज द मीनिंग। क्लियर? तो इनिशियली व्हाट वी डू, दैट इज हम लोग क्या करते हैं, इनिशियली तो ये कांस्टेंट को लिखते हैं, दैट इज 1x एंड द 2x, सो दैट इनिशियली व्हाट एवर वी हैव डन अकॉर्डिंग टू द स्कूल, तो उसी फॉर्मेट पे थोड़ा सा करेंगे। लेटर ऑन व्हेन यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द रेशियो, तो आपको ये x लिखने का जरूरत नहीं होगा इतना, आप स्ट्रेट वे यू कैन फाइंड आउट द थिंग्स। आइडिया इज क्लियर? तो इनिशियली तो हमें जब हम लोग समझेंगे थोड़ा सा, वी हैव टू राइट आउट विद द वेरिएबल दैट इज सर्टेन कांस्टेंट पार्ट। तो कांस्टेंट लिखा, तो कांस्टेंट को फिर हम लोग देख के वैसे जो भी रिलेशन, सम रिलेशन और द अदर दे विल गिव यू, इसके बिना तो आप फाइंड आउट ही नहीं कर सकते। ठीक है, अगर रिलेशन नहीं दे रखा है तो आप देखना उस क्वेश्चन में इट इज नॉट रिक्वायर्ड इन दैट वे। जैसा एक परसेंटेज पे आपका क्वेश्चन है, इफ यू टेक आउट दैट परसेंटेज क्वेश्चन, आप अपना उस पे वो करो जिसपे मार्क्स ऑप्टेंड वाला है, मार्क्स ऑप्टेंड वाला है और मार्क्स दे रखा आपका रेशियो पे दे रखा, अगर आप देखेंगे दे रखा है ना, तो उस क्वेश्चन को एवरीबडी रीड दैट क्वेश्चन, आई प्रिज्यूम एवरीबडी हैविंग द ये दैट इज द पीपीटी है ना सबके पास, तो टेक आउट दैट क्वेश्चन। परसेंटेज पे खोली हुई एक क्वेश्चन है, परसेंटेज पे शायद फर्स्ट सेकंड वाला खोलिए, मुझे लग रहा है सेकंड वाला अपडेटेड होगा शायद। कौन सा होगा इस पे? स्लाइड नंबर 27। ये वाला क्वेश्चन, ये एक्चुअली है यूपीएससी का क्वेश्चन। ये है यूपीएससी का ही क्वेश्चन। तो ये जो देखिए आपने दे रखा है, अ स्टूडेंट अपीयर्ड इन 6 पेपर्स, ठीक है, द मैक्सिमम मार्क्स आर द सेम, सेम मैक्सिमम मार्क्स बोला है फॉर ईच ऑफ द पेपर, His marks in these papers are in the proportion, मतलब रेशियो ही दे रखा है एक तरह से 5:7, 6:7, 8:9, 10, ओवरऑल कितना हो गया? 60% मार्क्स इन हाउ मेनी नंबर ऑफ पेपर्स, डिड ही स्कोर लेस देन 60% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स, ये बोला है। ठीक है, अब क्या है, हम लोग स्कूल डेज पे क्या करते थे, हाउ मच वी यूज टू टेक द मैक्सिमम मार्क्स? 100,
ठीक है, अब 100 लीजिए 1000 लीजिए, इन एवरी केस द आंसर्स विल बी सेम, आंसर इज नॉट गोइंग टू चेंज. लेकिन क्या होगा, 100 लेने में ये फायदा होगा, सीधा सीधा 60% का वो मिल जाएगा, यही फायदा होगा. एनी मतलब एनी वैल्यू यू कैन टेक, कोई जरूरी नहीं 100 लेंगे तब भी आंसर आएगा, 100 नहीं लेंगे तो आंसर नहीं आएगा. बट टेकिंग द वैल्यू विल बी मच मोर इजियर. आप वेरिएबल के जगह क्या ले सकते हैं, हमेशा वैल्यू. तो हम लोग क्या ले सकते हैं, दैट इज द मैक्सिमम मार्क्स इज द 100. पहले क्वेश्चन को समझिए, क्योंकि इसी तरीके से आपको रेशियो को समझना होगा. अब देखिए जो मार्क्स ऑब्टेंड है ना, ये क्या है, रेशियो पे दे रखा है. तो आई कैनॉट से द एक्चुअल वैल्यू ऑफ एनी ऑफ द सब्जेक्ट्स. 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट का जो दे रखा है 5:6:7:8:9:10. अब ये देखिए इन सब सेट ऑफ नंबर्स जो ये दे रखा है 5:6:7:8:9:10, इन सब की अगर HCF निकालेंगे तो क्या आएगा. इफ यू फाइंड आउट द HCF ऑफ दीज रेशियो तो क्या आएगा, 1 आएगा, हमेशा ही 1 आएगा वो. आप समझ रहे हो, हाँ, 3 पेपर्स कैलकुलेट करना होगा थोड़ा सा, मुझे भी याद नहीं है. हाँ वो तो ठीक है, कैलकुलेशन वाइज ठीक है, दैट इज नॉट. मैं तो एक चीज समझा रहा हूँ कि हमेशा ही आप देखिएगा कि ये क्या है, इनकी जो HCF आ रहा है 5, 6, 7, 8, 9, 10, उनकी HCF क्या आएगा, 1 आएगा. उसको समझिए, हमेशा ही यू हैव टू एक्सप्रेस द रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. ठीक है, ऑलवेज इट हैज टू बी एक्सप्रेस्ड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. तो HCF क्या आएगा, 1 आएगा. ये इसलिए देखिए आपका HCF 1 आ रहा है. अब मतलब क्या, कोई कॉमन फैक्टर है जो कैंसिल आउट हो रखा है, तभी तो HCF 1 आ रहा है ना. जो हम लोग किया था कि एक कोई कॉमन फैक्टर होगा कैंसिल आउट हो रहा है, तो वो कॉमन फैक्टर मुझे नहीं पता है, तो कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, दैट इज 5K होगा, 6K होगा, 7K होगा, 8K होगा, 9K होगा और 10K होगा. तो ये जो K है, दिस इज द कॉमन फैक्टर, मतलब K सब में कैंसल आउट हो चुका है, इसलिए क्या है, दैट इज 5:7:8:9:10 हो गया है. क्लियर, ऑलवेज रिमेंबर दिस पार्ट कि रेशियो कुछ होता नहीं, मतलब वॉट एवर इज द पॉइंट वी हैव डिस्कस्ड, कि रेशियो हमेशा क्या होता है, आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा. और रेशियो नेवर गिव्स यू द एक्चुअल वैल्यू, मे और मे नॉट बी, इट माइट बी, द चांसेस आर देयर. तो ये हो गया, अगर के की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए हमारा, इफ आई कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द के, तो मुझे ये मिल जाएगा हाउ मेनी ऑफ द सब्जेक्ट्स डिड ही स्कोर लेस देन द 60%. 60% मतलब क्या हो जाएगा, लेस देन 60 मार्क्स. अगर मैंने टोटल 100 ले रखा है, मैक्सिमम मार्क्स को अगर 100 ले रखा है, तो 60% कितना हो जाएगा, 60 मार्क्स, सिंपल है ना. और मुझे अगर लेस देन 60 लेना है तो क्या हो जाएगा, लेस देन 60 मार्क्स देखना है, दैट इज द पार्ट. तो आवर मेन एम इज टू फाइंड आउट दिस के. अब क्या हम लोग, हाउ डू वी फाइंड आउट द परसेंटेज एग्रीगेट, जो 60% मिला है उसको, वी 60% क्या मिला है उसको, परसेंटेज एग्रीगेट मिला है, यही है ना. तो हाउ डू वी फाइंड आउट द परसेंटेज एग्रीगेट, कैसे फाइंड आउट करते हम लोग परसेंटेज एग्रीगेट को, कैसे फाइंड आउट करता, हाउ डू वी फाइंड आउट द परसेंटेज एग्रीगेट, मार्क्स ऑब्टेन, कितना आपको मार्क्स मिला, तो कितना मार्क्स मिला, यही है आपका मार्क्स, 5K, 6K, 7K, 8K, 9K और 10K. कितना मार्क्स हो गया आपका, 45K. तो 45K हो गया आपका मार्क्स ऑब्टेन. ठीक है, 6 सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट लेके, दैट इज इफ यू एड अप ऑल द सब्जेक्ट्स, अगर हम लोग सारे सब्जेक्ट्स को अगर एड कर देंगे, दिस इज द मार्क्स ऑब्टेन. ठीक है, तो मार्क्स ऑब्टेंड आपका हो गया 45K. परसेंटेज एग्रीगेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिवाइड बाय टोटल मैक्सिमम मार्क्स. टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा, हर एक सब्जेक्ट का अगर 100-100 ले रखा है और 6 पेपर ही है आपको दिख रहा है, 600. तो हम लोग बचपन में ही ऐसा फाइंड आउट करते थे, दैट इज 45K इज द मार्क्स ऑब्टेंड डिवाइडेड बाय टोटल मैक्सिमम मार्क्स इनटू 100, विच गिव्स मी हाउ मच, 60%. ऐसे ही करते थे. क्लियर, तो नाउ my वर्क इज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द के. तो ये कितना हो जाएगा, अगर के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये 15 थ्री जा हो जाएगा, ये 15 फोर जा हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 टू जा.
तो k की वैल्यू कितना हो गया, 8 हो गया सीधा सीधा। तो अगर मानिए 7k, अगर 7k देखते हैं तो 7k का मतलब कितना हो जाएगा, 7 into 8 हो जाएगा ना, मतलब 7 into 8 कितना हो जाएगा, k की वैल्यू 8 है which gives me how much 56। तो अगर 56 इसको 7k के मिला तो ये दोनों तो 60 से कम ही होगा, वी डोंट नीड टू कैलकुलेट। तो अगर 8k का देखे 8 into 8 कितना होगा 64, क्योंकि 8k means this, अगर ये 64 है तो बाकी दोनों 60 के ऊपर है। तो हाउ मेनी सब्जेक्ट्स डिड ही स्कोर लेस देन 60% इज सॉरी 3। क्लियर हाँ, वो देखते हैं, बाकी ये परसेंटेज का टॉपिक पे है जो हम लोग किया नहीं था। तो हम लोग ये समझने की कोशिश कर रहे कि को प्राइम का क्यों फैक्टर पे लिखा रहता है, आपको मतलब ये समझ, क्योंकि कैलकुलेशन इज नॉट अ डिफिकल्ट पार्ट, वहां पे आपको समझना होगा क्यों वो को प्राइम फॉर्म में, क्यों सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा रहता है। क्लियर एवरीबॉडी इज क्लियर। तो अब से आप रेशियो को हमेशा इस तरह से देखेंगे, क्योंकि देखिए रेशियो का जो एप्लीकेशन होगा यहां से सारा रेशियो पे ही चलेगा। तो रेशियो इज कैलकुलेशन तो एक एक स्टेप पे ही होता है, इट द कैलकुलेशन इज नॉट मोर देन दिस। सॉरी सेवन पॉइंट फाइव आ रहा है कैसे, हैं 7.5 आ रहा है इस पर, नहीं 45 कैसे 7.5 आ रहा, वो 45k/600 ही तो होगा ना, 15 3 15 4, 3 2 से काट दिया तो 4k की वैल्यू 8 हो गया। कैलकुलेशन वाइज तो कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन ठीक है इस पर, ठीक है हाँ। किसी ने स्लाइड नंबर 18 भी पूछा था परसेंटेज पे, मैं वो आज क्लियर कर दूं थोड़ा सा, ठीक है ये सबको क्लियर है। अब 18 में कौन सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है क्या ना, ये क्वेश्चन है, विच क्वेश्चन, दिस इज अकॉर्डिंग टू माई स्लाइड, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 18, मीन स्लाइड नंबर 18, 17 तो किया था, 18 भी कर दिया था लेकिन, और 19 भी किया था, तो कौन सा है, बस यू हैव टू राइट द क्वेश्चन लिटिल बिट सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड, देयर इज अ लिटिल मिसमैच इन द स्लाइड्स। हाँ ये वाला भी कर दिया था, हाँ कैन यू राइट द क्वेश्चन लिटिल बिट, वन स्टेटमेंट आई कैन अंडरस्टैंड। कोई आंसर आ नहीं रहा है, ठीक है। तो और तो कोई किसी का परसेंटेज पे कोई क्वेश्चन नहीं है, परसेंटेज टॉपिक की बात कर रहे हैं, बाकी क्वेश्चन आप लोग, अनीता, अच्छा अनीता वाला दिस वन, अनीता, तो अनीता मैथमेटिक टेस्ट, तो इस पे क्या है आपका 70 प्रॉब्लम्स है, ठीक है, कैरिंग इक्वल मार्क्स, तो आप इक्वल मार्क्स को 1-1 ले लो। हमारा क्या होता है इक्वल मार्क्स पे कितना होता है 2.5 है ना। तो मानो फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट आस्किंग, मानो अगर आपने जैसा 80 into 2.5 हुआ तो 200 हुआ, यही है ना, तो आपका
मान के चलो कि अगर आपने कोई क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए और वो गलत हो जाए तो आपका नेगेटिव स्कोर कितना हो जाएगा? मींस यू अटेम्प्टेड द क्वेश्चन, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये तो यूपीएससी का ही है, दिस वॉज आस्क्ड इन द यूपीएससी, ठीक है, यूपीएससी का ही क्वेश्चन है, मानो इसको आपने अटेम्प्ट किया तो आपको करेक्ट होने पे कितना मिलेगा? 2.5 मिलेगा। अगर आपके इनकरेक्ट हो जाए तो, हाँ तो 0.83, तो ऑलमोस्ट 3.3 के आसपास, 3 के आसपास आपका जाएगा। तो ये हमेशा याद रखना, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के पहले यू शुड बी वेरी केयरफुल विद द थिंग्स, ठीक है। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के पहले इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना, इट इज नॉट अबाउट 0.83, इट इज अबाउट द 3 आपने अटेम्प्ट किया। अगर अनअटेम्प्टेड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इफ यू आर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन एंड देन इट इज अ रॉन्ग, देन इट इज अ प्रॉब्लम, ठीक है, आपका स्कोर हमेशा वो लोअर डाउन कर देगा। तो अनिता'स मैथमेटिक टेस्ट हैड 70 प्रॉब्लम, 70 प्रॉब्लम इक्वल मार्क्स हो गया, 1-1 ले लिया, कुछ भी ले लो, तो 70 × 1 मार्क्स कितना हो जाएगा? टोटल 70 मार्क्स हो गया, ठीक है ना। उस पे से क्या हो गया, 10 अरिथमेटिक, मतलब 10 हो गया किसकी, अरिथमेटिक का, क्लियर। और 30 कितना हो गया, एलजेब्रा का, और आपका 30 किसका हो गया, ज्योमेट्री का, मतलब मार्क्स भी 10 हो गया, मार्क्स भी ये सारे मार्क्स ही हो गया, क्योंकि एक एक मार्क्स है हर एक किसी का, ये भी आपका मार्क्स हो गया, ठीक है, ये दे रखा है। तो दिस इज द क्वेश्चन गिवन, ऑल दो शी आंसर्ड 70% ऑफ द अरिथमेटिक, तो अगर आपने 70% किए तो आपने मार्क्स कितना ऑब्टेन किए, 7 मार्क्स, है ना। तो ये यहां पे आपने कितना किया, 7 मार्क्स, क्योंकि स्ट्रेट वे 70% ऑफ द 10 मार्क्स कितना हो जाएगा, 7 मार्क्स। कैसे हो जाएगा, 70/100 × 10 ये कैंसिल, तो 7 मार्क्स हो जाएगा। फिर आपने कितना किया, एलजेब्रा का 40% किए, तो 40% कितना हो जाएगा, 12, मार्क्स। और ये हो गया फिर 60% ज्योमेट्री का है, मार्क्स हो गया, ठीक है। बट सी डिड नॉट पास द एग्जामिनेशन, पास द टेस्ट, बिकॉज सी गॉट लेस देन 60%, मतलब 60% से कम मिलेगा तो आपको पास नहीं हो पाएंगे। तो 60% का मतलब क्या हो गया, 70 मार्क्स तो टोटल है हमारा यहां पे, इसका 60% कितना हो जाएगा, 60/100 × 70, तो कितना हो जाएगा मेरा, 42 मार्क्स। तो 42 मार्क्स मिलेगा 70 में से, तभी मेरा पासिंग मार्क्स होगा। तो बोला है कि द नंबर ऑफ द मोर क्वेश्चन, कितना मोर क्वेश्चन, हाउ मच मोर क्वेश्चन शी वुड हैव टू आंसर करेक्टली टू अर्न 60%। तो 37 उन्होंने किया था, करना कितना है 42, तो कितना जाना है ज्यादा, और 5 ज्यादा जाना है, तो इट विल बी अ 5 मार्क्स, 5 मोर क्वेश्चन। इस पे नेगेटिव नहीं है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोर यू अटेम्प्ट मोर यू विल गेट द करेक्ट, मतलब इनकरेक्ट नहीं होगा। तो क्लियर, आइडियाज क्लियर। तो देखो कैलकुलेशन तो कुछ भी नहीं होता है, कैलकुलेशंस तो कोई भी क्वेश्चन में कोई ज्यादा, ये सब तो समझाने के लिए मैंने लिखा, नहीं तो एनीबॉडी हु हैव डन परसेंटेज वो सीधा सीधा 7, 12 और 18 लिख देगा, क्योंकि इक्वल मार्क्स को 1 से ज्यादा क्यों लेगा, अननेसेसरी कैलकुलेशन विल अराइज, ठीक है ना। इक्वल मार्क्स को आप 1 से ज्यादा क्यों लोगे, अननेसेसरी कैलकुलेशन, आपको तो अल्टीमेटली देखना है क्वेश्चन, मार्क्स तो देखना नहीं है। नेक्स्ट, और किसी को परसेंटेज पे कोई डाउट है, नेक्स्ट इसी का, ये वाला बोला है आपका जब रिडक्शन हुआ है इन द प्राइस ऑफ द मैंगो बाय 30%, ठीक है, अ कस्टमर को कितना मिला, 15 मैंगोस मोर इन द सेम अमाउंट। तो हमारा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है अमाउंट सेम होगा, अमाउंट सेम का मतलब क्या हो गया, पहले अगर आप मानिए 200 रुपये खर्च कर रहे थे, तो अभी भी कम होने के बाद भी
जैसा 30% कम हो गया है आपका प्राइस, तो 30% कम हो जाएगा तो आपको ऑब्वियसली 15 ज्यादा मिलेगा, क्योंकि आपका 200 रुपया अभी भी आप खर्च कर रहे हो। तो बोला कि ओरिजिनल नंबर कितना था, ओरिजिनल नंबर कितना था। तो पहला केस पे अगर एक्सपेंडिचर की बात करें, अमाउंट सेम मतलब क्या हो गया, एक्सपेंडिचर की बात हो गया, तो प्राइस इनटू कंजम्पशन। जब भी कंजम्पशन रिलेटेड बात हो तब एक्सपेंडिचर कैसे लेते हैं, हम लोग डिस्कस किया था और रेशियो पे भी डिस्कस किया था, इनकम इज इक्वल्स टू योर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। लेकिन यहां पे क्या आ रहा है, प्राइस आपका घट गया, ये इनिशियल है फाइनल है, प्राइस आपका घट गया, कितने से घटा हुआ है 30%, 30% मतलब कितना हो गया 0.7 बाय 7 बाय 10 पी हो गया, और आपका कंजम्पशन बढ़ गया, आपका कंजम्पशन बढ़ गया, यही बोला है ना। तो ये दोनों क्या इक्वल है, सेम अमाउंट का मतलब क्या, ये दोनों इक्वल है, तो इक्वल है तो आप इसको पुट कर देंगे P into C is equals to 7 by 10 P into C plus 15, ये कर देंगे। मेन आपको मेन वर्ड को पकड़ना होता है, मेन वर्ड को पकड़ लीजिए, क्या दे रखा है मेन वर्ड, मेन वर्ड इट इज गिवन इज द सेम अमाउंट, तो सेम अमाउंट का इंडिकेट क्या कर रहा है, एक्सपेंडिचर इज सेम, ठीक है, तो एक्सपेंडिचर इज सेम। तो अगर प्राइस विल डिक्रीज, अगर प्राइस घटा हुआ है तो क्या हो जाएगा, आपको क्वांटिटी ज्यादा ही मिलेगा, क्लियर। तो कितना हो जाएगा मेरा कंजम्पशन, फिर ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट, पीपी गेट कैंसिल आउट, तो ये कितना हो जाएगा 10C इज इक्वल्स टू 7C प्लस 7 इंटू 15, है ना, तो ये हो जाएगा 3C, 10C माइनस 7C कितना हो गया 3C, ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट हो गया, ये हो गया 5, तो C की वैल्यू कितना हो गया मेरा, सॉरी 35, क्लियर। और किसी को डाउट है किसी क्वेश्चन में, आप लोगों ने रिवाइज तो किया होगा ना, रिवीजन इज अ मस्ट, हम लोग हर जब भी वीक के आएंगे तो जो भी हम लोग पूरा वीक पे करेंगे उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, सो दैट यू फील द फ्लो, कि फ्लो पे रहना होगा हमेशा। और किसी पे इस पे कोई डाउट नहीं है फिर कोई क्वेश्चन में, ओके तो लास्ट हम लोग क्या कर रहे थे, रेशियो, अब रेशियो पे चलते हैं थोड़ा सा। ठीक है, रेशियो पे हम लोग ये कहां तक डिस्कशन चल रहा था हमारा, ये सब हो गया था, ठीक है, ये सब क्वेश्चन अब तो हो जाएगा, है ना, ये सारे यूपीएससी का है ये, ठीक है, एक क्वेश्चन ये सॉल्व कीजिए किसी नहीं किए तो आपने, अगर हाँ जिन्होंने नहीं किया,
डिड ही पास द एग्जामिनेशन, ए हो जाएगा, सिंपल है। ओवरऑल एग्रीगेट कितना है आपका, 60 है ना, तो वही है हाउ टू फाइंड आउट द ओवरऑल एग्रीगेट परसेंटेज, मार्क्स ऑब्टेंड है ना, मार्क्स ऑब्टेंड, ये सब मतलब डेफिनेशन नहीं दे रखा होगा, टोटल मैक्सिमम मार्क्स इनटू 100 गिव्स यू द एग्रीगेट परसेंटेज जो दे रखा है 60, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 10K, 9K, 8K, 7K और 6K, दीज आर द मार्क्स ऑब्टेंड। के से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि के एक फैक्टर है जो कैंसल आउट होके वो कोप्राइम फॉर्म में है, देखो कोप्राइम है कि नहीं, इनके एज सेफ क्या होगा 1 होगा, तो टोटल मार्क्स ऑब्टेंड कितना हो जाएगा 40, और हर एक का मैक्सिमम मार्क्स कितना लेंगे 100 ले लेंगे, तो ये हो गया 40K, तो 40K अपॉन मैक्सिमम मार्क्स 500 इनटू 100 विच गिव्स मी हाउ मच 60। लेकिन यहां पे क्या है, इफ द पासिंग मार्क्स कितना है 50% है, तो 100 का 50% कितना हो जाएगा 50 मार्क्स, तो 50 मार्क्स इज द पासिंग मार्क्स मेरा, ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ ईच सब्जेक्ट हैज द सेम मैक्सिमम मार्क्स, तो ये क्या हो जाएगा 0-0 कैंसिल, 5 8 पे चला गया, 8 ये क्या हो गया 4 का 2, 4 का 15, तो के की वैल्यू कितना हो जाएगा 15/2, ठीक है 15/2, वैल्यू ऑफ के इज हाउ मच 15/2। तो अगर देखा जाए 7K लेते हैं तो 7K कितना हो जाएगा, 7 7 49 प्लस 3.5, तो कितना हो गया 52.5, तो ये पास हो गया, ये भी पास हो गया, ये भी पास हो गया, ये भी पास हो गया, हाँ, इन हाउ मेनी सब्जेक्ट डिड ही पास द एग्जामिनेशन, तो 4 सब्जेक्ट पे पास किया, इस पे मिला उसको 45, 6K का मतलब कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, 6K का मतलब क्या हो गया 6 × 15/2, क्योंकि K की वैल्यू पुट कर दिया तो 45, 45 मतलब क्या हो गया फेल हो गया। अगर 7K देखे तो 7 × 15/2, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 52.5 आ रहा है, तो ये पास हो गया, तो बाकी भी पास है, तो 4 सब्जेक्ट पे पास हो गया, ठीक है। कैलकुलेशन कुछ नहीं होता है, देयर इज नो सच कैलकुलेशन, है 11, हाँ करेंगे, क्लियर हुआ ये। तो आइडिया इज दैट इज कि आप कैलकुलेशंस पे गलती नहीं करेंगे तो कैलकुलेशन इज नॉट मच, वो अलग है कि कैलकुलेशन में गलती हो जाता है ड्यू टू द ह्यूमन एरर, अदरवाइज दिस इज अ सिंपल कैलकुलेशन, एंड ऑब्वियसली दिस थिंग विल नॉट बी गिवन इन द क्वेश्चन कि हाउ टू फाइंड आउट द एग्रीगेट परसेंटेज, क्योंकि आप बचपन से स्कूल में करते आ रहे हो कि हाउ टू फाइंड आउट द एग्रीगेट परसेंटेज, दैट इज एग्रीगेट परसेंटेज इज मार्क्स ऑब्टेन डिवाइडेड बाय द टोटल मैक्सिमम मार्क्स इनटू 100 गिव्स मी द एग्रीगेट परसेंटेज, तो ये हो गया मेरा एग्रीगेट परसेंटेज। ये सब मैंने बोल दिया था, जो नॉर्मल डेफिनेशन है वो नहीं दे रखा होगा, अगर आप बोलोगे कि एक्सपेंडिचर का डेफिनेशन दे के रखे इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन विच इज इक्वल्स टू प्राइस इनटू कंजम्पशन, वो नहीं देगा। आपको पता होना चाहिए कि एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू प्राइस इनटू कंजम्पशन, आपको पता होना चाहिए इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक है, ये पता होना, अगर इनकम रिलेटेड बात दे रहा है तो ये आएगा, ठीक है, तो यू हैव टू नो दिस थिंग्स, ये नहीं कि आपको वो दे रखा होगा इस पे, क्लियर हो गया, एनी डाउट टिल दिस पॉइंट, ओके नाउ मूविंग टू द, कोई डाउट है किसी को भी, तो ये 10th सभी कर लेगा, दैट इज दिस इज फॉर द होमवर्क, यू हैव टू ट्राई द 10th स्लाइड इज दिस, ये आपके लिए होमवर्क पे है, यू हैव टू 55% निकालना है, मोर देन 55%, जिन्होंने कर लिया वेरी गुड, अदरवाइज यू हैव टू ट्राई। नाउ 11th और 12th दोनों एक ही क्वेश्चन है,
एक यूपीएससी का है, एक नॉन यूपीएससी का है। हम लोग हर साल ये करते हैं, 11th क्वेश्चन करते हैं, बाई चांस किसी साल 12th आ गया, मतलब सेम क्वेश्चन तो नोबडी कैन डू इन द क्लास, यू कैन अंडरस्टैंड, बट द सेम कॉन्सेप्ट वी कैन डिस्कस, जो कॉन्सेप्ट है उससे बाहर नहीं होता है, ठीक है। तो ये है, आप बताओ 11th 12th पे से कौन सा करे, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, कोई भी करो, तो यूपीएससी वाला आप करना, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में दे क्या रखा है, कोई ज्यादा कुछ नहीं है। अब देखो, अ मैन ऑर्डर्ड 4 pair ऑफ द ब्लैक सॉक्स, तो ब्लैक सॉक्स का पेयर दे रखा है। पहले क्वेश्चन को समझेंगे, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन तब होता है क्या, कैलकुलेशन हमारा बढ़ जाता है, हम बार बार रीड करते हैं चीजों को, देन देयर इज द कैलकुलेशन एरर ऑल्सो टेक्स प्लेस इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। तो बोला है अ मैन ऑर्डर्ड 4 pair ऑफ द ब्लैक सॉक्स एंड सम पेयर ऑफ द ब्राउन सॉक्स, मुझे नहीं पता कितना ब्राउन सॉक्स है, सम बोला है, सो दैट वी कैन टेक एज द एक्स। द प्राइस ऑफ द ब्लैक पेयर इज डबल दैट ऑफ द ब्राउन पेयर, ठीक है। अब देखो द आइडिया इज, मैंने यहां पे तो रेशियो का टॉपिक पे उसको डाल दिया, तो आपको थोड़ा बहुत तो पता चलेगा कि रेशियो पे कुछ करना है, लेकिन वहां पे तो ऐसा नहीं होगा ना कि द सब टाइटल विल बी गिवन कि दिस इज फ्रॉम रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड देन द क्वेश्चन विल बी गिवन, आपको तो वहां पे तुरंत समझना होगा चीजों का। तो ये क्वेश्चन, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, द प्राइस ऑफ द ब्लैक पेयर इज डबल दैट ऑफ अ ब्राउन पेयर। ये लाइन जब भी इस तरह का कंपैरिजन वाला लाइन होता है, नॉट इन दिस क्वेश्चन, इट डायरेक्टली डिफाइंस दैट इज द ईदर रेशियो बा परसेंटेज, ठीक है। मतलब क्या हो गया, दैट इज द ब्लैक पेयर का अगर 2 rupees है तो ब्राउन पेयर का क्या हो जाएगा, 1 rupee, अगर ब्लैक पेयर का 200 rupees है तो ब्राउन पेयर का क्या हो जाएगा, 100 rupees। हमें नहीं पता एग्जैक्ट वैल्यू, नहीं पता है बिकॉज द वैल्यू इज गिवन इन टर्म्स ऑफ द रेशियो, ठीक है। तो ये चीज देखो आप कि ये लाइन का मतलब सिर्फ इस क्वेश्चन में नहीं, मतलब कहीं पे भी, वेन एवर द कंपेरिजन इज द गिवन, बिकॉज रेशियो एक्चुअली कंपेयर करते हैं चीजों को, है ना। तो रेशियो जब भी इस तरह से कंपेरिजन वाला वर्ड आ जाए, स्टेटमेंट आ जाए, दैट मीन्स इट इज द रेशियो इज द गिवन। तो ये दे रखा है द प्राइस ऑफ द ब्लैक पेयर इज डबल दैट ऑफ अ ब्राउन पेयर। तो अगर मान लेते हैं ब्लैक पेयर इज 2 rupees, तो ब्राउन पेयर कितना हो जाएगा मेरा, 1 rupee। ले सकते हैं ना, कुछ भी ले सकते हैं, 200, 100, 150, एनीथिंग यू टेक, द आंसर इज नॉट गोइंग टू चेंज बिकॉज दे हैव गिवन यू इन द फॉर्म ऑफ द रेशियो, एज सिंपल एज दैट। एक्चुअल वैल्यू तो दे नहीं रखा है। Now, बोला कि while preparing the bills, the clerk interchanged the number of the black and brown pairs by mistake. मतलब क्या हो गया? पहले आपके पास 4 black था, x brown था. अब by mistake हो गया तो black x हो जाएगा, brown 4 हो जाएगा. Interchange हो गया. Interchange का मतलब तो यही है. उसके कारण क्या हुआ? By mistake, उसके कारण which increase the bill by 50%, increase बोला है, तो overall कितना हो जाएगा, 3/2। इस पे कोई doubt है किसी को, जब भी मैंने 3/2 लिखा, 3/2 कैसा आया हमारा, increase बोला है, 1+1, increase का मतलब चाहे profit हो, profit बोलेगा तब भी 1+ लिखेंगे, चाहे increase and profit meaning is same, decrease and loss meaning is same। तो बोला है व्हाट वाज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द ब्लैक पेयर एंड द ब्राउन पेयर इन द ओरिजिनल ऑर्डर, मतलब ओरिजिनल ऑर्डर पे कितना था। तो मेरा ये 4 pair ऑफ द ब्लैक है, तो ओरिजिनल कॉस्ट कितना हो जाएगा, अगर इनिशियल कॉस्ट की बात करें तो इसका 4 pair है और हर एक पेयर का है 2 rupees per pair, तो ब्लैक का कितना हो गया, 8 rupees हो गया। इसका एक्स पेयर है, हर एक पेयर का कितना हो गया, 1 rupees, तो कितना हो जाएगा, एक्स इंटू 1 हो गया, एक्स इंटू 1 को x लिखेंगे, और ये 4 × 2 को लिखा तो 8 हो गया, 8+x मेरा क्या हो गया, इनिशियल कॉस्ट, यही हो ना। फाइनल कॉस्ट क्या हो गया, फाइनल कॉस्ट पे ये इंटरचेंज हो गया, मतलब 4 pair ऑफ द ब्राउन हो जाएगा और x पेयर ऑफ द ब्लैक हो जाएगा, मतलब ये इंटरचेंज हो जाएगा, वो यहां पे आ जाएगा और ये वाला इधर चला जाएगा। तो अगर वो यहां पे आएगा, x है यहां पे, x पेयर है, हर एक पेयर का 2-2 rupees है, तो ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा।
और यहां पे आपका चार पेयर है क्योंकि वो इधर आ गया, इंटरचेंज हो गया, वो हर एक का चार 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 पेयर है, हर एक पेयर का एक एक रुपया है, तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 4 × 1 = 4 हो गया, ये फाइनल कॉस्ट। आइडिया इज क्लियर? तो ये फाइनल कॉस्ट क्या है, इंक्रीज्ड है, कितने से इंक्रीज्ड है, रेशियो दे रखा है 3/2, माइनस भी कर सकते हैं, मीनिंग इज सेम, सारे चीजें सेम है। तो इसका मतलब है जो फाइनल कॉस्ट है वो 3/2 टाइम्स ऑफ द इनिशियल कॉस्ट दे रखा है, यही है ना, यही बोला है, फाइनल जो कॉस्ट है वो क्या दे रखा है, 3/2 टाइम्स, मतलब इंक्रीज्ड बोला है, कभी कभी बोलेगा सिर्फ 50%, इंक्रीज डिक्रीज नहीं देगा, तब 1/2 लिख देना सीधा सीधा, क्लियर? तो क्या हो जाएगा, फाइनल कॉस्ट ये दे रखा है, तो फाइनल कॉस्ट कितना है, 2x + 4 विच इज इक्वल्स टू 3/2 टाइम्स, इनिशियल कॉस्ट कितना है, 8 + x, यही हो गया। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, 4x + 8 इज इक्वल्स टू 24 + 3x, तो x की वैल्यू कितना हो गया, 16, क्लियर? तो x की वैल्यू 16 हो गया और यहां पे पहले से 4 था, तो रेशियो कितना हो जाएगा, 1:4, क्लियर? रेशियो पूछा है, नंबर बोलेगा तो 16 हो जाएगा, इफ दे आस्क यू अबाउट द नंबर तो दैट इज 16। किस पे डाउट हो रहा है बोलो, एनी डाउट यू हैव? आपको जब भी कोई भी इस तरह का क्वेश्चन करना होगा, क्योंकि आजकल क्या होगा, लेंथ ऑफ द क्वेश्चन विल बी मोर, है ना, आपको छोटा छोटा क्वेश्चन नहीं होगा, अगर छोटा हुआ तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो जाएगा आपसे, है? तो ब्रेक द एवरी स्टेटमेंट को आप ब्रेक करते जाओ, अगर एक बार पे यू कैन नॉट रिटेन द क्वेश्चन तो ब्रेक दैट क्वेश्चन, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखोगे दैट इज यूपीएससी पे दे रखा है, तो यूपीएससी में देखो क्वेश्चन बोला है 100% इंक्रीज हो रहा है, क्वेश्चन को देखो आप, 100% इंक्रीज मतलब कितना हो जाएगा, फाइनल कॉस्ट विल बी 2 times द इनिशियल कॉस्ट, हम लोग किया था ना परसेंटेज पे, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, 100 + 100 हो जाएगा, 100% इंक्रीमेंट मतलब 200 times हो गया, तो 200 times मतलब उसको क्या लिखेंगे, 2 times, उसको इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, तो जो उस पे होगा तो फाइनल कॉस्ट इक्वल टू 2 times द इनिशियल कॉस्ट, एक लाइन में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा आपका, बस आपको समझना है चीजों को, डायरेक्ट थिंग्स विल नॉट कम, ठीक है? और कोई डाउट है, एनी अदर डाउट बताओ, नहीं किए, कौन सा क्वेश्चन बताओ, प्रोपोर्शन छोड़ दो, रेशियो तक बताओ, कोई भी डाउट है तो, प्रोपोर्शन तो आई विल डू, जैसा ये वाला है यूपीएससी का क्वेश्चन, नहीं कर पाओगे, है? हाँ, वो तो सी का शेयर दे रखा होगा ना, वो तो डायरेक्टली, वो तो डायरेक्ट उससे हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, हाँ इस पे समेशन से हो जाएगा, देखो इसका मतलब क्या, 1 gold coin for every 3 non-gold coins, मतलब क्या हो गया, रेशियो दे रखा है, वहां पे आपको समझना होगा, कंपैरिजन दे रखा है ना, वेन एवर एनीथिंग इज गिवन इन द कंपैरिजन फॉर्म मीनिंग इज इट इज द रेशियो इज द गिवन, हाँ, नाउ बिकम्स
थर्टींथ क्वेश्चन, ठीक है, थर्टींथ क्वेश्चन आई विल एक्सप्लेन। अब देखो आप लोग कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है, आप देखो मैं आपको एक तरीका दिखाता हूं, इस पे थोड़ी सी आपको माइंड हो सकता है रेजिस्ट करे, लेकिन आप जितना ये सब ट्राई करोगे चीजों को उतना आसान लगेगा। तो बोला है जो इन अ रेयर कॉइन कलेक्शन द गोल्ड कॉइन फॉर एवरी थ्री, वन गोल्ड कॉइन फॉर एवरी थ्री नॉन गोल्ड कॉइन्स, तो गोल्ड कॉइन इज टू नॉन गोल्ड कॉइन की रेशियो दे रखा है कितना, 1:3। अब बोला है 10 मोर गोल्ड कॉइन्स आर एडेड टू द कलेक्शन एंड द रेशियो ऑफ द गोल्ड टू द नॉन गोल्ड कॉइन इज प्रेजेंट वाला जो है 1:2। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन द टोटल नंबर ऑफ द कॉइन्स नाउ, नाउ मतलब क्या है, प्रेजेंट वाला, तो 1:2 का मतलब हो गया जो भी टोटल गोल्ड टोटल कॉइन्स है वो मल्टीपल ऑफ 3 होनी चाहिए। मल्टीपल ऑफ 3 कौन सा दो हो सकता है, यही दो हो सकता है, मतलब ये दोनों आंसर होगा नहीं, ये दोनों आंसर होगा नहीं, क्योंकि 1:2 का मतलब क्या हो गया, प्रेजेंट वाला, तो 3 का मल्टीपल होना होगा, 3 का मल्टीपल होगा तो 90 या 60 में से कोई एक होगा। अब क्या होगा, इस पे से 10 घटा दिया तो मेरा पुराना वाला आ जाएगा, 10 घटा दिया तो पुराना वाला आ जाएगा, पुराना वाला रेशियो कितना है, 4 का मल्टीपल है, 1:3 का मतलब क्या होगा, 4 की मल्टीपल पे होनी चाहिए, ये 4 की मल्टीपल पे होगा नहीं, आपका ये आंसर होगा। तो कैलकुलेशन करना हमेशा जरूरी नहीं है, मतलब यू आर गेटिंग माय पॉइंट, आपको क्वेश्चन को, इसलिए मैं बोलता हूं क्वेश्चन को बार बार पढ़ो, उसी पे सब कुछ दे रखा है, द सॉल्यूशन इज आल्सो गिवन। ट्रेडिशनल मेथड से करना है, बता देते हैं, आप पूछ रहे हो तो बताएंगे ही, ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, लेकिन आप ट्राई करो कि आपको ज्यादा ट्रेडिशनली ना करना पड़े, क्योंकि ना आजकल का लैंग्वेज बहुत ज्यादा होता है, तो जितना आप इंफॉर्मेशन लेके कर पाओगे उतना अच्छा है। क्लियर, किसी ने मुझे 13th वाला भी ऑनलाइन में पूछा हुआ है डाउट, क्या कैसे 4x हो रहा है ना, 1x प्लस 3x 4x, हाँ वही तो निकालेंगे, 80 प्लस 10 90, ये 4x हो जाएगा ना, 4x तो आपका x20 आया हुआ है, तो 80 हो गया और 10 यहां पे जो ऐड किए तो 90 आ जाएगा, तो ट्रेडिशनल में गलती होने का चांसेस ज्यादा है। क्योंकि आपने 1x एंड 3x ले रखा है तो टोटल तो आपका 4x ही हो गया, टोटल निकालना है हमें। किसी ने 13th भी पूछा है, 13th क्वेश्चन को समझते हैं पहले, है ना, बोला कि एक साल पहले द रेशियो बिटवीन द हर्षा एंड अनिल सैलरी, जैसा ये क्या है, हर्षा का सैलरी का रेशियो दे रखा है और अनिल का सैलरी का रेशियो दे रखा है, आइडिया इज क्लियर, तो मान के चलो कि 3 लाख 5 लाख कॉरपोरेट पे काम करते लोग, तो हो सकता है। नाउ उसके बाद क्या बोला है, रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल सैलरीज ऑफ द लास्ट ईयर एंड द प्रेजेंट ईयर आर 2:3, मतलब क्या हो गया, 2:3 किसकी है, हर्षा का है, है ना, हर्षा का है, रेस्पेक्टिवली बोला है ना, 4:5 किसका है, अनिल का है, लेकिन वो क्या दे रखा है, लास्ट ईयर टू प्रेजेंट ईयर, लास्ट ईयर उसका टू प्रेजेंट ईयर उसका जो रेशियो है वो 2:3 है। अब इफ देयर टोटल सैलरीज प्रेजेंट ईयर का बोला है कितना है, 86,000, तो हर्षा का कितना होगा, अभी का प्रेजेंट से कितना होगा, क्लियर, तो
तो अब देखो ये जब दो से तीन जा रहा है तो उसका 50% की इंक्रीमेंट हो रहा है, काफी होता है, होगा कि नहीं? जब वो दो से तीन जा रहा है तो उसकी कितनी इंक्रीमेंट हो रहा है? कैसे फाइंड आउट किया 50%? 3/2 मतलब ये दे रखा है ना, हर्षा का क्या दे रखा है, आप क्वेश्चन को समझो, हर्षा का क्या दे रखा है, लास्ट ईयर टू प्रेजेंट ईयर 2/3 दे रखा है उन्होंने रेशियो। तो अगर इसको प्रेजेंट ईयर टू लास्ट ईयर क्या लिख सकता हूं मैं, 3/2 लिख सकता हूं। तो 3/2 का मतलब क्या हो गया, 1.5, एनीथिंग मोर देन 1 क्या देता है, इंक्रीज, हम लोग यही सीखा था। अनिल का क्या है, 25% की इंक्रीमेंट, अनिल का हो गया लास्ट ईयर टू प्रेजेंट ईयर दे रखा है 4/5, तो प्रेजेंट ईयर टू लास्ट ईयर कितना हो जाएगा आपका 5/4, 5/4 का मतलब कितना हो गया 1.25, कितना परसेंट इंक्रीमेंट, 25% इंक्रीमेंट है ना, इसकी कितना परसेंट इंक्रीमेंट, 50% इंक्रीमेंट। इसको अलग तो कोई तरीका फाइंड आउट नहीं करना, हम लोग ये सीखा ही हुआ है, क्योंकि एनीथिंग मोर देन 1 वो इंक्रीमेंट दे देगा, एनीथिंग लेस देन 1 वो डिक्रीमेंट दे देगा, इसलिए फाइंड आउट। तो ये सब जो चीजें है वहां पे कैलकुलेट करने की जरूरत ना पड़े आपको, यहां ये सब आपको ऑब्जर्वेशन से ही पता चल जाना चाहिए कि दो से तीन जा रहा है हर्षा का सैलरी रेशियो पे जा रहा है, तो उसका मतलब उसकी इंक्रीमेंट हो रखा है, इंक्रीमेंट मतलब कितना परसेंट, 50%, सिंपल है, 3/2 कोई भी फाइंड आउट कर देगा। उसका जा रहा है 4/5 तो मतलब हो गया 1.25, तो उसकी कितना हो गया, 25% की इंक्रीमेंट। क्लियर, दिस इज द ऑब्जर्वेशन पार्ट। अब क्या हो गया, उसकी इनिशियल सैलरी दोनों का कितना है पता नहीं है, तो इनिशियली दोनों का मिला के है 8x/8k ले लेते हैं, तो अनिल का है 3k और हर्षा का कितना है 5k हो गया, ठीक है, हर्षा का हो गया 5k, क्लियर, यही दे रखा है इनिशियली। अब उनको इंक्रीमेंट मिला है 50%, किसको 50% मिला है, सॉरी मैंने गलत लिखा क्या, हाँ सॉरी मैंने गलत लिखा, यहां पे अनिल का होगा दैट इज द 5k, ये हो जाएगा 3, ये 5k होगा और ये 3k हो जाएगा, ठीक है, ये आपका है, क्योंकि ये दे रखा ना हर्षा पहले दे रखा है, तो हर्षा का हो जाएगा 3k, अनिल का बाद पे दे रखा है तो 5k, ठीक है, आइडिया इज क्लियर। तो हर्षा को कितना इंक्रीमेंट मिला है, 50%, तो 50% अगर इंक्रीमेंट मिलेगा हर्षा का तो कितना हो जाएगा, हर्षा का कितना हो जाएगा 4.5k हो जाएगा, बा अगर मानो तुम्हें कैलकुलेशन में दिक्कत आ रहा है 4.5, उसको इस तरह से भी लिख सकते हो, एक ही दिखाएगा वो, देखो कैसे लिखते हैं, ध्यान दो, आज फिर से मैं एक सिखा रहा हूं तुम्हें, हर्षा का ये तो पता चल गया तुम्हारा 50% इंक्रीमेंट हो रहा है, तो तुम क्या लिखोगे, दैट इज 100 प्लस 50% लिखोगे, है ना, ऑफ 3k लिखोगे, तो ये क्या लिखोगे, 1 प्लस 1/2 लिखोगे, 3k लिखोगे, तो ये 3/2 हो गया, ऑफ 3k इजिकल्स टू 9/2k, तो ऑलरेडी देखो ये 3/2 तुम्हारा दे रखा था, तुम्हें लिखने का जरूरत ही नहीं था, तो तुम डायरेक्टली लिख सकते हो 3/2 × 3k दैट इज 9k/2, मतलब लिखने का सब कुछ दे रखा उन्होंने, उन्होंने सिंप्लीफाई भी कर रखा है, आपको सिर्फ उसको देखना है। तो अनिल का कितना हो जाएगा, अनिल का डायरेक्टली लिख सकते हैं 5/4 दे ही रखा है इंटू 5k, तो हम लोग लिख सकते हैं 5/4 × 5k विच इज इक्वल्स टू हाउ मच, 25/4k, क्लियर, वो नहीं लिखेंगे 6.25 आया कि क्या आया, मुझे नहीं लेना देना उससे, हाँ मुझे लेना देना है, मुझे कुछ करना नहीं था इस क्वेश्चन में, फ्रेंकली बताओ, तो 3/5 दे रखा है, उस पे से 3 का बोला है 3/2, तो आई कैन डायरेक्टली मल्टीप्लाई, मुझे एक्चुअल कैलकुलेशन से भी वही आएगा, तो व्हेन इट इज गिवन 3/2 तुम्हें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, 3/2 एंड 5/4 इट इज गिवन, तो यू कैन राइट 25/4, आइडिया इज क्लियर। तो ये प्रेजेंट सैलरी है दोनों की,
अनिल और हर्षा का ये प्रेजेंट सैलरी है, यही है। तो इसके रेशियो कितना बनेगा, अनिल और हर्षा का रेशियो कितना बनेगा, अनिल इस टू हर्षा का अगर सैलरी की रेशियो देखे प्रेजेंटली 25/4 के इस टू ये कितना बन जाएगा 9/2 के कैंसिल 2 कैंसिल तो ये आ जाएगा 25:18 ही बनेगा। 2 जो है उधर चला गया है ना, रेशियो पे ही करते हैं। अब क्या हो गया, दोनों को ऐड करेंगे तो फोर्टी थ्री आ रहा है ना। तो 43 को अगर 86 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2000 मतलब इसका 50,000 आ जाएगा। इसका आ जाएगा 36,000। ये कैसा है, क्लियर हुआ? ये हम लोग लास्ट क्लास पे भी डिस्कस किया था, आपको बार बार लिखने का जरूरत नहीं है। आप क्या लिख सकते हो इसको, व्हाट यू कैन राइट दैट इज 25/43 × 86,000 ठीक है। ये आ गया 2000, तो ये कितना हो गया आपका 50,000। इसको लिख सकते हो आप 18/43 × लेकिन ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है आपको। तो ये गया 36,000, क्योंकि लास्ट क्लास पे हम लोग चीज डिस्कस कर चुके हैं। तो डायरेक्टली नाउ देयर इज नो पॉइंट ऑफ राइटिंग के एंड ऑल दिस थिंग्स व्हेन यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द पार्ट। क्लियर, आइडिया इज क्लियर? कोई डाउट है इस पे, कोई भी पार्ट पे? तो ये सब मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा, यू डोंट हैव टू राइट द थिंग्स ओवर देयर, इट इज डायरेक्टली गिवन। 3/2 का मतलब 50% इंक्रीज, 5/4 का मतलब क्या हो गया 25% इंक्रीज, डायरेक्टली गिवन टू यू। क्लियर? कोई डाउट, कोई भी पॉइंट? आपका कैलकुलेशन सिर्फ क्या है, ये भी नहीं करना है आपको, ये 9/2 के लिखना है और 25/4 के लिखना है, वो भी दे रखा है, 5/4 भी इज ऑल्सो गिवन टू यू। क्लियर? उसके बाद ये रेशियो वो भी, उसके बाद मतलब ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है आपको, ये सीधे इतना अच्छा वैल्यू दे रखा है 43 ऑटोमेटिकली हो जा रहा है। 43 अगर हो जाएगा तो 86,000 को डिवाइड करेंगे तो 2000, तो 36,000 एंड 50,000 हो जाएगा। तो ऑल इफ यू सी नन ऑफ द पार्ट द नीड द कैलकुलेशन, एट द एंड इट विल सिंप्लीफाई ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। क्लियर, आइडिया इज क्लियर? एनी डाउट? एक 13th क्वेश्चन भी हो गया अब, ठीक है। नाउ प्रोपोर्शन, ठीक है, वी कम टू द प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन में क्या है, इट इज जस्ट द एक्सटेंशन ऑफ द रेशियो। इट इज जस्ट द एक्सटेंशन ऑफ द रेशियो का एक्सटेंड हो जाता है, रेशियो का एक्सटेंड हो जाता है, मतलब ए इज टू बी एक रेशियो है, सी इज टू डी इज द रेशियो, वो इक्वल है, दोनों रेशियो इक्वल है ना। तो क्या हो जाएगा, इसको कभी कभी इस तरह से लिखा जाता है, ए इज टू बी इज द सेम एज सी इज टू डी, इसी को बोला जाता है प्रोपोर्शन। दिस इज द मीनिंग ऑफ द प्रोपोर्शन। तो क्या होता है, इसको बोला जाता है मीन, इनको बोला जाता है मीन, और इसको बोला जाता है एक्सट्रीम। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए बाई बी इज इक्वल्स टू आपका सी बाई डी हो गया। तो ये अगर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया ए डी इज इक्वल्स टू योर बी सी, तो इसलिए बोला जाता है प्रोडक्ट ऑफ द, ये मीन हो गया, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू योर प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स, हमेशा ही फॉलो करेगा, इट विल ऑलवेज फॉलो, प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स। क्लियर?
मानो कोई भी चीज है प्रोपोर्शन में है तो उसको जैसा सॉल्व करना हमें है ना, क्योंकि रेशियो तक तो समझ में आ रहा था चीजें। अगर कोई भी चीज मान लेते कि प्रोपोर्शन में है तो उसकी सॉल्विंग प्रोसीजर क्या होगा? अगर आप ट्रेडिशनली कैलकुलेट करने की कोशिश किए तो क्या हो जाएगा? फिर वही कैलकुलेशन एरर आ सकता है। द कैलकुलेशन एरर माइट टेक्स प्लेस इफ यू स्टार्ट डूइंग द थिंग्स इन द ट्रेडिशनल फॉर्मेट। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोपोर्शन। ठीक है, क्या प्रॉपर्टीज है? पहला प्रॉपर्टी है कॉम्पोनेंडो, मतलब क्या हो जाएगा, कोई भी प्रोपोर्शन दे रखा है इस तरह से, कोई भी प्रोपोर्शन इस तरह से दे रखा है a बाई बी इज इक्वल्स टू सी बाई डी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी कॉम्पोनेंडो जो है तो ये क्या होता है, a प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी प्लस डी बाई डी। कोई भी प्रोपोर्शन ले लो और उसको करके देखो एक ही आएगा प्लस करके, मतलब इस पे क्या हो गया, दीज आर ऑल कैलकुलेशन की सिंप्लीफिकेशन। मतलब दिस प्लस द न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, इट इज द डिनोमिनेटर सेम है। तो ये कोई आप अप्लाई करो ना करो इट डजेंट मैटर, ये क्या हो जाएगा आपकी कैलकुलेशन को थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर देगा और कुछ नहीं है, मतलब एक एक लाइन में आप कर सकते हो। एक होता है डिविडेंडो प्रॉपर्टी, डिविडेंडो क्या होता है, जैसा a माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी माइनस डी अपॉन डी, ठीक है, कोई भी कॉम्पोनेंडो सी ओ एम पी ओ एन ई एन डी ओ, हाँ डी है ये कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो डिविडेंडो डी आई वी आई डी ई एन डी ओ डिविडेंडो, मतलब आपको प्रॉपर्टी को लिखा राइटिंग में तो नहीं आएगा लेकिन हम लोग देखेंगे कैसे अप्लाई करके, मतलब ये एल आर पे भी अप्लाई कर देते हैं जहां पे कैलकुलेशंस थोड़ा से आते हैं, तो क्या होता है फिर एक लाइन में निकल आते हैं, लेकिन नहीं तो वही है क्या कैलकुलेशन करते रहो। थर्ड है इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, दैट इज इन दोनों को कंबाइन कर सकते, इसको लिखते बाई सी एंड डी, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो वो आ जाता है ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, ठीक है, इन दोनों को साथ साथ अप्लाई कर देंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारा, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, मानो कोई रेशियो इस तरह से चल रहा है ए बाई बी इज इक्वल्स टू सी बाई डी इज इक्वल्स टू ई बाई एफ, ऐसे चलते ही आ रहा है, ठीक है, ये भी एक रेशियो है, a बाई बी भी एक रेशियो है, c बाई डी भी एक रेशियो है, e बाई एफ भी एक रेशियो है, चलते ही जा रहा है, इट्स गोज ऑन इन दिस वे। तो बोला जाता है इस जो इंडिविजुअल रेशियो का जो वैल्यू आएगा, मानिए a बाई बी का जो वैल्यू आएगा व c बाई डी का जो वैल्यू आएगा व e बाई एफ की जो वैल्यू आएगा, विच विल बी इक्वल टू द, मत बंद करो वो रहे, हाँ, सम ऑफ ऑल द एंटीसीडेंट दैट इज ए प्लस सी प्लस ई, ऐसे चलते जाएगा। एंटीसीडेंट किसको बोलते हैं, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द रेशियो को, अपॉन सम ऑफ ऑल द कॉन्सिक्वेंस बी प्लस डी प्लस एफ, ऐसे चलते जाएगा। उसका मतलब क्या हो गया, आप पहले समझो फिर लिखना, उसका मतलब क्या हो गया, जो वैल्यू इसका आएगा, जो भी इसकी वैल्यू आएगा, वही वैल्यू इस रेशियो का भी होगा, वही वैल्यू इस रेशियो का भी होगा, वही वैल्यू इस रेशियो का भी होगा। इसका मतलब मैं और समझाता हूं आपको, मानो मानो कि इन रेशियोज की वैल्यू मानो k है, क्या मैंने बोला a बाई बी का वैल्यू मानो k है, कुछ तो वैल्यू होगा ही, दैट आई एम टेकिंग एज अ k, c बाई डी का वैल्यू क्या है k है, e बाई एफ की वैल्यू क्या है k है, तो अगर ये करेंगे तो इसके भी वैल्यू k आना चाहिए, इसके भी वैल्यू क्या आना चाहिए k आना चाहिए, ठीक है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी सेज दैट कि इनकी जो भी वैल्यू आएगा वो अगर सम भी निकालेंगे सबकी एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट तो भी के आएगा,
तो अगर देखोगे तो इसका लिख सकते हैं a बाई बी इज इक्वल्स टू के, e बाई एफ इज इक्वल्स टू क्या हो गया, k हो गया। सब इंडिविजुअल रेशियोज की वैल्यू क्या है, k है। तो हम लोग इसको लिख सकते a का क्या हो गया b इंटू के, c का क्या लिख सकते d इंटू के, e का क्या लिख सकते f इंटू के। अब क्या करेंगे, इस पे वैल्यू डाल देंगे a प्लस सी प्लस ई। ए की वैल्यू कितना है b के, c की वैल्यू क्या है d के, e की वैल्यू क्या है f के, अपॉन b प्लस d प्लस f है। अगर k कॉमन ले लिया तो मेरा क्या आ जाएगा, b प्लस d प्लस f अपॉन b प्लस d प्लस f, ये आ जाएगा। ये कैंसल आउट तो क्या आ रहा है k, यही बोला था प्रूव होगा, है ना। तो आपको ये प्रूविंग याद नहीं रखना है, उससे आपको फायदा नहीं मिलेगा, प्रूविंग याद रख के कोई फायदा में नहीं। अभी तो आप लिख सकते हो लेकिन आपको इसको अप्लाई करना होगा, अगर नहीं अप्लाई किया तो आपको कैलकुलेशन ज्यादा करना होगा। अगर आपने अप्लाई किए तो वही क्या हो जाएगा, एक एक लाइन में आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी को मैंडेटरी नहीं होता है कि आपको लगाना ही है, प्रॉपर्टी इसलिए होता है कि हमें क्या होता है कि कैलकुलेशन को ईज पे कर देते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज को लिख लीजिए, चार प्रॉपर्टी होता है जो इंपॉर्टेंट होता है हमारे प्रोपोर्शन के लिए, है? इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कंटिन्यूड फॉर्म में होता है, व्हेन द रेशियोज आर इन द कंटिन्यूड फॉर्म। मेनली क्या है, आपकी जब समय आएगा, टाइम आएगा, तब अगर आपने अप्लाई कर पाए कैलकुलेशन में, थिंग्स विल बी इजियर फॉर यू। जैसे एलआर पे अप्लाई करना होता है, ठीक है, वो तो टाइम पे हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन इन दैट केस इफ यू कैन स्ट्राइक द थिंग्स देन विल बी, इट विल बी इजी। लेकिन आपको स्ट्राइक करना जरूरी है ओनली बिकॉज यहाँ पे क्या है, नोइंग द थिंग्स ठीक है, अगर थोड़ा बहुत कम भी जानते तो कोई वो नहीं है, that is there is no loss, but whatever you know you have to apply direct, nahi hota hai cheeze, you will not find anything direct over there ki direct question pucha ja raha hai, they will not say ki this is the question based on the proportion। to agar proportion ka aapko samajh mein aa jayega to obviously aap char property ke bare mein sochenge, kuch na kuch to apply hoga hi। to it is not about the ki property kya jante hain, aap nahi bhi karenge tab bhi answer aa jayega, लेकिन उसमें क्या हो जाएगा, बहुत जब आप इसको फाइंड आउट करेंगे विदाउट यूजिंग द प्रॉपर्टी तब आपको कैलकुलेशंस की लेंथ बहुत बढ़ जाता है। क्लियर? तो लेट अस सी हाउ टू अप्लाई दिस प्रॉपर्टीज एंड लेटर इन द लॉजिकल रीजनिंग विल अंडरस्टैंड अबाउट द मोर अबाउट दिस प्रॉपर्टीज। जैसा ये है, मानिए आप जब भी क्वेश्चन को देखेंगे ना, कैलकुलेशन के हिसाब से मत देखिएगा, थोड़ा सा जो किया उसको ऑब्जर्व कीजिए, तब आपको आंसर एकदम मिल जाएगा। आप कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो ये खत्म नहीं होने वाला। हम लोग स्कूल में नहीं है ना, तो कैलकुलेशन के बारे में इतना मत सोचिए। एट आएगा,
आंसर 8 हो जाएगा। कैसे? देखो यहां पे कुछ क्या कैलकुलेशन, आप कैलकुलेशन के रेस्पेक्ट पे सोच रहे हो ना, इसलिए आपको थोड़ा सा लग रहा है कि कैसे ऐसे देखते आंसर बता रहे। देखो आपको बताता हूं, आप अप्लाई करो चीजों को। ये क्या दे रखा है आपका, a बाई बी इजिकल्स टू बी बाई सी इक्वल टू सी बाई डी इजिकल्स टू 8। अगर कोई प्रॉपर्टी को यूज ना भी करे तब भी उसका आंसर 8 ही आएगा। प्रॉपर्टी को यूज करेंगे तो 2-3 लाइन आप निकालेंगे यहां पे, क्योंकि वैल्यू इसकी फाइंड आउट करना होगा। अब मेरा कहने का मतलब है यहां पे ए बी है और यहां पे ए बाई बी है, तो अगर मैंने बी से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तब भी मेरा रेशियो 8 रहेगा कि नहीं? रेशियो चेंज हो जाएगा, ऊपर भी बी से मल्टीप्लाई किया, नीचे से भी बी से मल्टीप्लाई किया, तो रेशियो क्या रहेगा, 8 ही रहेगा। फिर मैंने देखा यहां पे सी है तो इसको सी से मल्टीप्लाई कर दिया तो सी स्क्वायर हो गया नीचे, तब भी क्या रहेगा, 8 ही रहेगा। और फिर मैंने देखा यहां पे डी है तो सी डी और डी स्क्वायर हो गया, तब भी क्या रहेगा, 8 ही रहेगा। अब देखो ये जो हो गया इस पूरी फॉर्मेट का, ये एंटीसीडेंट हो गया और ये क्या हो गया, कॉन्सिक्वेंट। तो अभी हम लोग जो प्रॉपर्टी डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था कि इनकी जो भी वैल्यू होगा वही वैल्यू क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल एंटीसीडेंट अपॉन सम ऑफ ऑल कॉन्सिक्वेंट। तो अब ये क्या हो गया, एंटीसीडेंट ये हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी अपॉन कॉन्सिक्वेंट क्या हो गया, वही हमें फाइंड आउट करना था। इस पे डायरेक्ट नहीं आएगा, आप ये मत सोचो कि एकदम से जो प्रॉपर्टी बताया वैसा एकदम हुआ आ जाएगा, मतलब एकदम वैसा नहीं आएगा ना, स्कूल में नहीं है ना, अल्टीमेटली वी आर गिविंग अ एग्जाम सच अ बिग एग्जाम, तो उसमें क्या होगा, आप डायरेक्ट का भी एक्सपेक्ट मत करो। इफ यू आर एक्सपेक्टिंग इन दैट वे देन आपका एक्सपेक्टेशन बहुत गलत है, आप भी समझ लो। क्लियर? तो आपको हमेशा जो भी आप करोगे उसको हमेशा थोड़ा सा सोचो अगर कि कैसे क्या है वो कोई भी क्वेश्चन में कैलकुलेशन बोला नहीं है ना, तो कैलकुलेशन बोला नहीं मतलब कुछ तो होगा इसमें, वो सोचो क्या बोल रहा है वो। क्लियर? आइडियाज क्लियर? एनी डाउट? और एक क्वेश्चन करेंगे इस पे से, फिर आपको होमवर्क हो जाएगा। ये करते क्या 17 वाला, ये वाला, ये तो आसान है, आप कर लेंगे, हो जाएगा, ट्राई कीजिएगा, थोड़ा सा सोचिएगा, हो जाएगा। ये अगर बता दूंगा तो वो हो जाएगा। मैंने बोला है 225 को डिवाइड करना है चार पार्ट पे, पी क्यू आर एस सच दैट पी इजिकल्स टू 2Q इजिकल्स टू 3R इजिकल्स टू 4S, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू, इसकी क्या वैल्यू है? हैं? पच्चीस परसेंट नहीं है ना, वो चार गुना है, 4S है, चार गुना हो गया वो। क्वेश्चन तो क्लियर है ना, बोलते ये जो 225 है चार पार्ट पे डिवाइड करना है तो P प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस कितना हो जाएगा, 225 यही बोला है, चार पार्ट पे डिवाइड करना है तो, और वो रिलेशन दे रखा है, वो रिलेशन दे रखा है, तो बोला है P प्लस क्यू क्या होगा। ठीक है, अब देखो ये जो रिलेशन दे रखा है इसी में सारा आंसर छुपा हुआ है, मतलब तुम्हें इंटरप्रेट करना आना चाहिए, डायरेक्ट होगा नहीं। क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पी इजिकल्स टू 2Q इजिकल्स टू 3R इजिकल्स टू 4S, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है,
दैट इज p बाई वन क्यू बाई वन बाई टू लिख सकते हैं, q बाई टू है कि q बाई वन बाई टू है, वन बाई टू है, अगर आपने q बाई टू लिखा तो गलत है ना, ये है r अपॉन वन बाई थ्री है, ये s अपॉन क्या है 4 है, दिस इज द पार्ट है ना, दिस इज नॉट q बाई टू, q बाई टू इज समथिंग, अगर q बाई टू करोगे तो कभी वो 2q आएगा नहीं, आएगा नहीं आएगा ना, क्योंकि ये 2 ऊपर जाके वो 2q हो रहा है, q बाई थ्री कर दोगे तो 3r आएगा नहीं, ये क्या है फ्रैक्शन का जो फॉर्मेट होता है, फ्रैक्शन का क्या फॉर्मेट होता है, a बाई बी होल अपॉन c बाई डी, यही होता है फ्रैक्शन का, तो क्या होता है a के साथ d मल्टीप्लाई होता है और b के साथ c होता है, तो यहां पे d क्या है 2 है ना, तो ये 2 जाके a के साथ मल्टीप्लाई होगा तभी वो फॉर्मेट, आप क्वेश्चन तो चेंज नहीं कर सकते ना, वी कैन नॉट राइट 2q एज q बाई टू, वी कैन नॉट राइट 3r एज r बाई थ्री, जैसे आपने बता रहे थे 25% 33% है ना, क्लियर है, ये हो गया, हमें क्या करना है p प्लस q की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इस रेशियो का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, इसकी 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 रेशियो की वैल्यू सॉरी विच इज इक्वल्स टू p प्लस q प्लस r प्लस s, मानते हो आप, सम ऑफ ऑल दी एंटीसीडेंट अपॉन सम ऑफ ऑल दी कॉन्सिक्वेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, इसकी वैल्यू दे रखा है उन्होंने 225, तो ये क्या हो गया 225 हो गया, अब क्या हो गया 2, 3 और 4 की एलसीएम कितना होगा 12 आ जाएगा, सिंपल है ना, 2, 4 और 3 की एलसीएम कितना होता है 12 होता है, तो ये एलसीएम मेरा हो गया कितना 12, तो ये जो हो गया 1 तो ये हो गया 12 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 6, ये कितना आ जाएगा 4, ये कितना आ जाएगा 3, होगा कि नहीं, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग फिर 225 अपॉन ये कितना 18 और 7 कितना हो गया 25/12, ये कैंसिल आउट हो गया 9 और ये 12 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 108, ठीक है, तो हर रेशियो की वैल्यू कितना हो गया p by 1 की वैल्यू कितना हो गया 108, इसकी वैल्यू कितना हो गया 108, हर रेशियो की वैल्यू बताओ, वो जो k है, k है ना जो अभी हम लोग किया था फोर्थ प्रॉपर्टी में, वो उसका वैल्यू क्या आएगा हमेशा k आएगा, सम ऑफ ऑल एंटीसीडेंट अपॉन सम ऑफ ऑल कॉन्सिक्वेंट करोगे तो क्या आएगा हमेशा वो वैल्यू ऑफ द रेशियो आएगा, तो k आ गया आपका 108, तो p की वैल्यू कितना आ गया आपका p by 1 is equals to 108, मतलब क्या हो गया p की वैल्यू हो गया 108, q upon 1 by 2 कितना हो गया 108, उसका मतलब क्या हो गया q की वैल्यू हो गया 1/2 ऑफ 108 विच इज इक्वल्स टू हाउ मच, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 162, ठीक है, तो प्रॉपर्टी को अप्लाई करने में ये फायदा मिलेगा, लेकिन गलती होने का चांसेस कहां था, यहां पे गलती होने का ये चांसेस था आपका है ना, अगर आप बाय चांस लिख देंगे वो q by 2 वो क्या क्वेश्चन से डिफर कर जाएगा, q by 2 इज नॉट इक्वल टू 2q, q by 3 इज नॉट इक्वल टू, क्योंकि हमें आदत क्या है देखने का, हमें आदत है देखने का q by 2, हमें आदत है देखने का q by 3, तो उसको लिखने का तरीका दैट इज ये सारे क्या हो गया एंटीसीडेंट हो गया आपका, तो सम ऑफ ऑल द कॉन्सिक्वेंट अपॉन सम ऑफ ऑल द एंटीसीडेंट अपॉन सम ऑफ ऑल द कॉन्सिक्वेंट, इससे क्या हो गया एक लाइन में हमारा खत्म हो गया, ये तो मैंने थोड़ा इलाबोरेट कैलकुलेशन इसलिए किया आपको समझाने के लिए, अदरवाइज क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है वहां पर, क्योंकि हार्ड रेशियो की वैल्यू मिल गया हमें, इसके भी 108, इसका भी 108 होगा, इसका भी 108 होगा, जिसका भी वैल्यू बोलेगा फाइंड आउट कर देंगे, क्लियर, आइडियाज क्लियर, तो बाकी के जो इसका है आप थोड़ा सा इस तरह के सोचना प्रोपोर्शन के प्रॉपर्टीज के बारे में, जब आप अप्लाई करना सीखोगे तभी वो हेल्प होगा आपको, एक यूपीएससी के क्वेश्चन लेते हैं, ये सारे यूपीएससी के क्वेश्चन है उसमें से एक लेते हैं,
रेशियो के ऊपर है ये, इस क्वेश्चन को इसलिए पिक किया आज सॉल्व करने के लिए क्योंकि इसकी लैंग्वेज अच्छा दे रखा है, वहां पे लैंग्वेज को इतना बारीकी से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नहीं 2022 का नहीं है, 20 का है या 21 का है, इसी एक साल का है, 20 का है या 21 का है? मुझे एग्जैक्ट याद है, हाँ मतलब आपका क्वेश्चन जो रेशियो पे होगा इस तरह से होता है और इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। सबसे मजेदार चीज है आप अगर इसकी लैंग्वेज को ही आपने डिकोड नहीं किया तो क्या कैलकुलेशन करेंगे मुझे नहीं समझ में आएगा। एक्सप्लेन करूं मैं लैंग्वेज की तो सारा चीज इसकी खेल जो है ना, अगर मैंने एक वर्ड भी बोल दिया तो तुरंत हो जाएगा। सारा जो खेल है इस क्वेश्चन का लैंग्वेज पे, और वहां पे उतना कॉन्सेंट्रेट करना आसान नहीं होता हमारे लिए। एक दो बार पढ़ोगे इरिटेट हो जाओगे, क्वेश्चन छोड़ दोगे। क्या बोलना चाह रहा है तब से? नहीं नहीं निश्चय एलिगेशन करनी, नहीं आंसर बताओ आप। ठीक है अब थोड़ा समझते लैंग्वेज को कैसे करेंगे वहां पे क्वेश्चन को। अब ये टेस्ट भी देना, टेस्ट सीरीज का जो टेस्ट होगा ना उनका क्वेश्चन इस तरह से मैं सेट कर रहा हूं, लैंग्वेज पे बहुत ध्यान दे रहा हूं ताकि आपका समय सारा चाहे कैलकुलेशन में नहीं लैंग्वेज पे। 40% आंसर है 25%। ठीक है होगा ना, अप्रैल पे है समय है आपका पास। तो 1/3 जो है बोला है ना ऑफ दिस मिल्क, मतलब ये जो सैंपल है जिसमें 50% वाटर है। ठीक है तो आप जो वॉल्यूम लोगे मिल्क की, जो वॉल्यूम लोगे वो मल्टीपल ऑफ कोई भी 3 ले लो, जैसा 6 लीटर ले लो 12 लीटर ले लो, तो आपको थोड़ा सा दिक्कत कम लगेगा। नहीं मैं बोल रहा कि आप कोई भी एक्स ना लो, मैंने क्या बोला था आपको पहले भी बोला था, कहीं पे भी आपको कुछ एज्यूम करना हो रहा है उसको एज्यूम ना करो, एक्स ना लो डी मत लो, आप क्या करो उसके लिए कुछ वैल्यू ले लो है, और वैल्यू क्या लोगे सॉल्व मत लो, उसकी जगह कोई भी मल्टीपल ऑफ 3 ले लो, 90 ले लो, ताकि वो 3 से इजिली डिवाइड हो जाएगा ना, आपके लिए आसान पड़ेगा। तो छोटे से छोटे वैल्यू पे लोगे तो कैलकुलेशन थोड़ी आसान होता है। तो आप टोटल 6 लीटर ले लो जिसपे से मिल्क और वाटर का देख लो कितना कितना होगा, 50% बोला है तो इस पे 3 लीटर, इस पे 3 लीटर, क्लियर। अब मिक्सचर का क्या एक प्रॉपर्टी होता है आपको पता होगा, आपने अगर कोई भी चीज मिक्सचर के फॉर्मेट पे है और आपने अगर वहां से कुछ भी निकाले तो उसी रेशियो पे आएगा जिस रेशियो पे मिक्स्ड है, जैसे 1:1 की रेशियो पे मिक्स्ड है ना, इट इज मिक्स्ड इन द रेशियो ऑफ क्या है 1:1। तो आपने यहां से कोई भी वॉल्यूम निकाल लीजिए, एनी वॉल्यूम यू टेक आउट है ना, एनी वॉल्यूम, ये मिक्सचर का प्रॉपर्टी होता है, एनी वॉल्यूम यू टेक आउट फ्रॉम दिस टोटल मिक्सचर तो इट विल ऑलवेज कम आउट इन द रेशियो ऑफ 1:1। ये मिक्सचर का प्रॉपर्टी है, आपने केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत किया होगा 9th-10th पे, ये मिक्सचर का आपका प्रॉपर्टी मिलता है। तो क्या होगा जब आपने 1/3 निकाले है ना, 1/3 मतलब क्या निकाले 2 लीटर निकाले, तो इस पे भी मिल्क और वाटर कितना आएगा 1:1, तो 1:1 मतलब मिल्क कितना आएगा आपका 1 लीटर आएगा कि नहीं, वाटर कितना आएगा आपका 1 लीटर, क्योंकि मिक्सचर का प्रॉपर्टी है, क्लियर। तो ये मिक्सचर का प्रॉपर्टी है कि 1/3 ऑफ दिस मिल्क
दिस मिल्क मतलब कौन सी मिल्क की बात कर रहे, ये वाला है ना, तो वन थर्ड ऑफ दिस मिल्क, दिस मिल्क तो आपको समझ में आया, दिस कौन सा बोल रहे, जो आपके पास है, जो आपके पास है उसको क्या बोल रहे, वन थर्ड ऑफ दिस मिल्क इज एडेड टू इक्वल अमाउंट ऑफ प्योर मिल्क, मतलब प्योर मिल्क ऐड करना होगा इक्वल अमाउंट पे, मतलब दो लीटर फिर मिल्क आ जाएगा, दो लीटर क्या आ जाएगा इक्वल अमाउंट ना, जितना आपने निकाले उतना इक्वल अमाउंट पे आपको प्योर मिल्क मिलाना होगा, तो आपने दो लीटर अगर निकाले इससे तो उतना ही आपको कितना करना होगा, दो लीटर प्योर मिल्क ऐड करना होगा, तो मिल्क आपका कितना हो गया तीन लीटर, पानी कितना हो गया आपका एक लीटर, टोटल मिक्सचर कितने का बना चार लीटर। अब बोला है वाटर इन द न्यू मिक्सचर फॉल डाउन टू, फॉल डाउन टू मतलब इक्वल्स टू, फॉल तो करेगा ही करेगा क्योंकि पहले वो 50% था, अब वो एक लीटर पे देखना होगा, तो कितने पे हो जाएगा एक बाई चार, टोटल मिक्सचर कितने का बन रहा है चार का बन रहा है, ये तीन लीटर मिल्क है और एक लीटर वाटर है, टोटल मिक्सचर कितने का बना चार लीटर, रेशियो कितने का बना एक बाई चार, एक बाई चार का रेशियो कितने का होता है 25%, तो 25% ठीक है। तो पूरी क्वेश्चन में कुछ था नहीं, इसको सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में ही बोला जा सकता है, लेकिन उनकी मर्जी, कोई भी ले लो रेशियो, एक्स लेके कर आ जाएगा, जरूरत ही नहीं है, किसके इक्वल, ठीक है, तो फिर कैसे करेंगे, हाँ। इस क्वेश्चन की सिर्फ लैंग्वेज पे ही पूरा होता, अगर इसको सिंपल में भी लैंग्वेज पे पुट किया जा सकता था तब शायद सारे स्टूडेंट्स के ही ऑलमोस्ट निकल जाते आंसर है। अब देखो लैंग्वेज पे क्या है, तुम ये भी नहीं बोल सकते हो कि कोई उसने ऐसा कोई शब्द यूज किया, वर्ड यूज किया जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, द वर्ड्स आर वेरी सिंपल बट द लैंग्वेज दे हैव यूज दैट इज इन अ रिफाइंड फॉर्म, जो आपको चाहिए, जिसको जिस तरह से लैंग्वेज को इंटरप्रेट करना आपको आना चाहिए, क्लियर आइडियाज, क्लियर।